कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अठोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी पर मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का बाल्य चरित्र को। कहते से चैतन्य महाप्रभु जब छोटा बच्चा थे एक दिन बड़ी जोर जोर से रो रहे थे और जितना उनको रोने को गलत करने के लिए कोशिश करी वो रोना गर्द ही नहीं हो रहा था। इतने में सब माताएं पीछे निमाए क्यों इतने जोर से रो रहे हो। महाप्रभु बोले अगर तुम लोग मेरे प्राण रक्षा करना चाहते हो ये नवद्वीप में दो वैष्णव है एक का नाम विरग्ना और एक का नाम गोवर्धन। उसी दिन था एकादशी। एकादशी में नियम होता है एकादशी का भी जैसे हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं ठाकुर के एकादशी व्रत नहीं रखते हैं ठाकुर के लिए एकादशी में एकादशी हम लोगों के लिए इसलिए उसी दिन नियम में ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया रसोई है। बोले क्यों जैसे आज मटर पनीर बना रहे हैं जैसे शाही पनीर बना रहे दाल वाट चूरमा बना रहे अब देखना पहले हमारी खाने की इच्छा हो जाती है आज बड़ी बढ़िया प्रसाद बन रहा है मतलब क्या आज बढ़िया प्रसाद पहले हमारी खाने की इच्छा हो जाती है। शास्त्र में बताया घ्राणार्थे अर्थोदय मतलब है जब किसी चीज का हम खुशबू लेते हैं ना उसी में ही आधा भोजन हमारी हो जाती है। ठाकुर जी का आधा भोजन पहले तो हमारी दृष्टि देख करके हम बदल ही गए ना बद्यजी होने के नाते बढ़िया बढ़िया चीज देते हैं तो पहले लोभ हो जाता है बढ़िया प्रसाद है तो उसमें तो तुम्हारी लोभ हो गया ठाकुर को भोग कैसे लगी। इसलिए नियम है जब प्रसाद बने ना सबको प्रसाद रहने में जाने नहीं देनी चाहिए हैं क्योंकि कतल लोभी जो व्यक्ति है ना अरे आज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बने मतलब क्या पहले तुम्हारी खाने की इच्छा हो गई जब तुम्हारी खाने की इच्छा हो गई फिर ठाकुर को सेवा में कैसे लगी। नियम है एकादशी हम लोग के लिए एकादशी का दिन नियम है उसी दिन बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के लिए भोजन बने पराठा बने दाल बट चूरमा हो बने शाही पनीर मटर पनीर राजमा चावल पनीर उसी दिन जितना हो सकता है ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया बना क्यों आपको पता है ये चीज़ आज हम नहीं खा सकते। एकादशी का दिन ये चीज़ हमारी भोग्यता वस्तु नहीं आज केवल श्री ठाकुर जी ही भोजन करें इसलिए उसी दिन और हिरण्य और गोवर्धन को महाप्रभु जी को भक्त थे और उसी दिन ठाकुर जी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाए भगवान के लिए बनाए थे अपना लिए तो पहले तो जैसे एकादशी का दिन जैसे अभी हम भोजन करते पहले लोग भोजन नहीं करते थे एकादशी का नियम है एकादशी से एक दिन पहले एक टाइम भोजन कर रात को भोजन नहीं करनी चाहिए और एकादशी का दिन पूरा के पूरा नहीं जला कुछ भी जल तक भी नहीं लेनी चाहिए और दूसरे दिन जो समय दी गई होगी इसी समय को अंदर में एकादशी व्रत छोड़ना है उसी समय में ही ये व्रत को टाइम से व्रत छोड़ना ये एकादशी का नियम है। इसलिए एकादशी का दिन को तो अपना लिए कुछ बनाए नहीं वो जो कुछ बनाए ठाकुर जी के लिए बनाए अगर कोई भक्ति और प्रेम से ठाकुर जी के लिए बनाओ ना ठाकुर जरूर स्वीकार करते भगवान जरूर स्वीकार करते हैं इसलिए कहते ना दुर्जन है कि मेवा त्यागे साथ भी गुरु भय खाई सबसे उसकी प्रेम सदाई
अगर सचमुच से हृदय से भगवान के लिए बनाओ हृदय से ठाकुर की आके भजन कर जाते, जिले महाप्रभु लीला का सुनेंगे। जब महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए मैया सती माँ का, तो महाप्रभु बेटा था, पहले तो एक बेटा संन्यास लेकर गया सत्रागढ़ में, जो दूसरा बेटा था वो भी संन्यास लेकर चला गया, दोनों ही बेटे थे दोनों ही संन्यास लेकर चले गए। और बंगाल में 12 महीना के 13 पर्व होते हैं, समझते हो, महीना 12 है, लेकिन तो जो पर्व होता है ना जैसे होली दीपावली होता है ना, ऐसे 12 महीना के 13 वहाँ उत्सव है। अभी वहाँ पर एक बनाते हैं पीठा पड़ा, अब वो पता नहीं इधर उतना, जैसे आप लोग डोसा बनाते हैं ना, हाँ वहाँ पर ऐसे ही बड़े सुंदर सुंदर जिस केक बनाते हो उधर एक पीठा पड़ा बनाते, बहुत उधर का प्रिय भोजन है। अभी सची मैया उनको बेटा था कि माँ महाप्रभु बड़े भाव से बनाती, बड़े सुंदर रूप से बनाती। अब क्या सोच सकते हैं, अगर आज मेरे घर में मेरा बेटा होता है ना, तो बेटे को कितने प्यारा लगता था, बेटा बोलता था भैया आज ये सब्जी ये बहुत बढ़िया बने, और थोड़ा दे दे माँ और थोड़ा दे दे। और माँ क्या करती है, बच्चे को भोजन दे कर माँ खुश रहती, बच्चे अगर खुश रहे ना देखना पिता माता भी खुश रहते हैं। तब उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बना दी थी, बना करके ठाकुर घर में धर देते थे भोग लगाने के, और धर करके बैठ करके याद करते थे, आज अगर माँ अगर मेरे मिना ही होता बेटा होता कितने खुश होकर खाता, कितने प्रेम कितने पढ़ाई करता, मैया आज क्या तुमने बढ़िया बढ़िया प्रसाद तुमने बनाए, कितना खुश होता। लेकिन महाप्रभु उस समय कहाँ पर है, जगन्नाथपुरी में, और ये लीला का नवद्वीप में। जब उन्होंने हृदय से महाप्रभु को पुकार किए, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में तो घर में आ गए, और आ करके जो कुछ भोग लगाए करते थे जो कुछ खाना लगा महाप्रभु सब कुछ खा लेते, खा करके महाप्रभु वापस चले जाते। जब चले जाते जब सची माँ की थोड़ी देर बाद में आँख खोलती ना, देखा कुछ नहीं प्लेट में कुछ भी नहीं खा ली, भैया सोचती है मैंने क्या आज भोजन बनाया नहीं, आज नहीं मैं भोजन बनाया था प्लेट खाली कैसे, पर चूल्हा जाकर देखती है और देखना जब रसोई बनाती हो कुछ ना कुछ जरूरत पड़ी रहती कि नहीं पड़ी रहती है। फिर मैया जाकर चूल्हे में देखती हूँ नहीं मैं तो बनाया सब चिन्ह है, फिर आकर देखती हूँ प्लेट खाली है, लेकिन पता नहीं महाप्रभु पुरी से आए और सब कुछ भोजन करके गए। जब भक्त लोग जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा में सारे भक्त लोग जाते थे रथ यात्रा में, अरे महाप्रभु भक्तों को बोलते थे मैया को बोलना, क्या बोलना, अमुक तिथि में मैया ने ये भोजन बनाए थे और मेरे को चिंतन की ना, मैं जगन्नाथपुरी से मैंने गया और सब कुछ मैंने भोजन किया था। मैया कभी कभी सोचते हैं कि शायद भ्रम है, बोले भ्रम नहीं सचमुच से मैं जा करके मैया जो कुछ दिया था मैं सब कुछ खाया था। इसलिए महाप्रभु जब संन्यास लिए और अद्वैत आचार्य जब प्रभु जी के घर में गए, माँ भी वहाँ पर गई, इतने में महाप्रभु बोले माँ तेरा ये पागल बालक पागल है देखना भले ही बेटा जितना बड़ा क्यों नहीं हो जाए, मैया के लिए बेटा उसमें बेटा ही, भले ही बेटा डॉक्टर बन गया। अगर ठंडा का समय है ना बेटा बाहर जाता है वगैरह का ठंडा पड़ रहा है साल ले ये भोजन ले ले, भले दुनिया को देखता है बेटा डॉक्टर हो गया, लेकिन माँ के सामने जो बेटा है ना अर्जुन बेटा ही रहता है, कोई बड़ा नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु कहते भैया तेरे ये बालक बेटी पागल बेटा पागल बढ़ने संन्यास ले गया, भैया अभी तुम आदेश दो, तू जो कुछ बोलोगे मैं तुम्हारे आदेश से पालन करूंगा। लेकिन भैया तो साधारण है बोले घर में वापस चले आ, वो माँ तो साधारण थे नहीं, कहते बेटा ठीक है सन्यासी तो ले लिया लेकिन एक काम करो यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना, नजदीक में रहा करोगे कम से कम मेरे को तेरे खबर मिलता रहेगा मेरे बेटा कैसे, इसी से मैं खुश रहूंगा। बोले बताओ भैया तू जो बोलोगे मैं आदेश पालन करूंगा। बोले बेटा तू जगन्नाथपुर में रहा, कहाँ रहना जगन्नाथपुरी यहाँ से नजदीक है और भक्त लोग जाते आते रहते हैं, कम से कम मेरे को तेरे खबर मिलते रहेगा मेरे लाला ठीक ठाक है।
इसलिए यहाँ पर एकादशी व्रत में अभी वो दोनों भक्त हिरण्य गोवर्धन भगवान के लिए बनाया, बढ़िया बढ़िया भगवान बनाया ठाकुर जी के लिए, इनको पता है आज भक्त मेरे लिए सुंदर सुंदर भजन बनाया। कभी देखो अगर हमारी प्राण रक्षा करना चाहते हो तो हिरण्य गोवर्धन के घर में जाओ, जा करके आज उन्होंने ठाकुर जी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बनाया। हर बंगाल में सोच नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर दाल रोटी खाओ ना टेस्ट नहीं खाते, वहाँ पर बहुत सारी चीज होनी चाहिए खाने के लिए ना, रसा होनी चाहिए, कोई भाजी होनी चाहिए वहाँ पर, कोई साग होनी चाहिए, चाटनी होनी चाहिए, खीर होनी चाहिए, बहुत सारी चाहिए हैं, बोले बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, उसको ला करके मेरे को खिलाओ नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेगा। ये लोग भैया सची बोली कि इसके घर में भोजन बनता है, ये छोटा बच्चा इसको भेज दूंगा भैया, उसको घर में भोजन बन रहा है ठाकुर जी के लिए। अगर कोई ठाकुर जी के लिए बनाता होगा ये बोलने पर क्यों देगा इसको, वो तो ठाकुर के लिए बना रहा है ना, ये तेरे लिए थोड़ी बना रहा है, फिर तेरे लिए क्यों देगा। देखो इसको जो पता है वो भक्तों के घर में बढ़िया बढ़िया भोजन बन रहा है, जरूर कुछ होगा, चलो जाकर के पूछते हैं। तो जाकर के बोले हमारी घर में मीमाई हमारे बेटा बहुत रो रहा है, वो कह रहा है कि आपका घर में आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है, और वो कह रहे अगर मेरे प्राण रक्षा करना चाहते हो तो घर से ला करके दो, सचमुच से क्या बना। लेकिन वो साधारण है, भगवान की भक्त है, जन्म जन्मांतर की भक्त भगवान के, वो बड़े खुश हो गए, बोले बहुत अच्छी बात है, मीमाई मांग रहा है, कोई बात नहीं सबके सब ले जाओ और मीमाई को भोग लगा दो। सबके सब ले आए और उन्होंने मीमाई में बड़े खुश होकर प्रसाद बताया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्तर द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्तर द्रव्य प्रभु उलटना चाहे, मतलब है अगर भक्त का जो वस्तु है ना भक्त नहीं देने पर भी महाप्रभु जबरदस्ती इसको ले लेकर खाते हैं, लेकिन अभक्त जैसे दुर्जन है वो पहले से ही कृष्ण जब शांति दूत रूप में आए, दुर्जन क्या सोच रहा था कि ग्वाला कभी राजभोग देखा नहीं होगा, इसको बढ़िया बढ़िया भोजन खिला करके ना छापन भोग छत्तीस व्यंजन बना कर बैठा, बोले इसको खिला करके अपना तरफ में कर दूंगा, अपना तरफ में कर दूंगा। जब कृष्ण शांति दूत बन करके आए बोले देखो पांडवों को कुछ भी नहीं चाहिए, तो बोले पांच गांव दे दो उसी में ही खुश रहेगी, अब तुम सारे राज्य को तो भोग करो। दुर्योधन क्या बोला, पर बदर युद्ध के पांच गांव दिया सुई के नोक के बराबर भी जमने देने के लिए तैयार नहीं, पांच गांव आ गए हैं। इतने में दुर्योधन ने कहा प्रभु पहले भोजन कर लो, मानिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, पहले भोजन कर लो बात करना। कृष्ण ने कहा देखो तीन जगह पर लोग भोजन करते हैं, कितने जगह पर कहाँ कहाँ पर, अब लोग सब पंडित लगता है, इसलिए वाले तीन जगह पर। पहला जगह पर है जैसे आप कोई काम लेकर गए हो किसी काम वजह से, लेकिन अगर फिर काम लग जाता है ना खुश हो जाता है तो भैया काम लग गया कोई बात नहीं भोजन कर। दूसरा जगह पर अगर भूख लग रहा हो तो भैया कुछ भी हो वो पूछता नहीं आज क्या बनाया, बोले जो कुछ लेगा जो कुछ होता ले आओ है तभी वो भोजन कर लेता है। तीसरा जगह पर कहते हैं अगर कोई तुम्हारी पूरा अच्छा मित्र कोई हो ना प्यारा बंधु दोस्त कोई हो उसको घर में भोजन कर लेते हैं, बोले प्रभु कृष्ण बोले यहाँ तुम्हारा काम बनाएंगे हैं, और मेरे को तो भूख है ही नहीं, मैं तो आपका काम हो। और तीसरा है काम कोई भक्त अगर हो मित्र हो तभी भोजन करते हैं। दुर्योधन बोला कि मैं आपका मित्र नहीं शत्रु, जो देखो ये पांडव मेरे मित्र है, इनका जो मित्र है वो मेरे मित्र है और इनका जो शत्रु मेरा ही शत्रु है, तो मेरे शत्रु हो बोले कहीं तक खाओ तो बोले कहीं खा लूंगा, लेकिन कहाँ गए विदुर जी के घर में गए और साग भाजी केले का छिलका प्रभु जी खाए, केले का छिलका ठाकुर जी खाए। इसलिए यहाँ पर इतने वो जो दो भक्त थे ना बड़े प्रसन्न होकर दे गए और महाप्रभु बड़े आनंद से खाए। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं भक्त का वस्तु भगवान का बड़ा प्यारा है भक्त का वस्तु। अभी महाप्रभु धीरे धीरे महाप्रभु
बड़े होते जा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जो महाप्रभु बड़े होते गए इतने में उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु जन्म हुए। बोले नित्यानंद प्रभु जहाँ जन्म हुए वो गांव का नाम है राड़ देश एक चक्रा गांव। बोले वो गांव का नाम एक चक्रा क्यों पड़ा? बोले कारण ही जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध में कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी मैं कभी युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तब मैं शांतनु तनु कहा हूं जब हरि से अस्त्र दाम। कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपको जरूर मैं अस्त्र धारण कराऊंगा। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, युद्ध में पितामह भीष्म आज ऐसे बाण मार रहे थे अर्जुन को, ऐसे बाण की बौछार कर रहे थे, अर्जुन किसी तरह से टिक नहीं पा रहा था, बाण मार मार करके पूरा शरीर एकदम खून खून से लथपथ हो रहा था। इतने में कृष्ण को बोले ये बूढ़ेबाजी क्या हो गया, ये बुढ़ापा की छलांग लगा लगा करके मेरे पार्थक ऊपर में बाण प्रयोग कर रहा है। लेकिन ये महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले मैया कुंती ने अपना पांडव को लेकर गए पांच पांच बच्चे को। बोले कन्या आज करे ये पांच बच्चे में तेरे हवाल कर रहे, ये पांच बच्चे को तू रक्षा करना। कृष्ण ने कहा बुआ जी कोई चिंता मत करो, जा कर अपने साइया मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके जो जो रही गई। भले ही विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगी लेकिन तेरे पांच बच्चों का एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। भगवान प्रतिज्ञा की है, दुआ को सामने प्रतिज्ञा की है, इसलिए आगे कृष्ण सोच रहे लगता है ये मेरे पाप को मार डालेगा। अरे मेरे बुआ मेरे को पांच बच्चे दिए हैं, मैंने भी प्रतिज्ञा की तुम्हारी बच्चे का कुछ होने वाले नहीं। इतने में कृष्ण को इतना क्रोध आया, बोला आज ये बूढ़े को मैं दिखा दूंगा है किसको, पितामह भीष्म को। इतने में कृष्ण कूद पड़े रथ से और जो रथ का जो पहिया था ना वो रथ का पहिया को उठा करके भीष्म को मारने के लिए गए। जब मारने के लिए गए इतने में पितामह भीष्म जब देखा कृष्ण कौन है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक, जिनकी एक इशारा हो जाए ना, एक इशारा हो जाए विश्व ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाता है, केवल इनकी एक इच्छा भूतुल मात्र से। लेकिन आज भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, उन्हें प्रतिज्ञा किया था अस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन पितामह भीष्म ने क्या बोले थे, मैं अस्त्र धारण कराऊंगा। लेकिन उन्होंने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को रक्षा करने के बल भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। जब तोड़ दिए ना पितामह भीष्म इतने प्रसन्न हो गए, धनुष को रख दिए। बोले हे प्रभु आप कितने बड़े भक्त वत्सल, तुम्हारी एक इच्छा से क्या नहीं हो जाता, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए आप अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए प्रभु। लेकिन भगवान को कहते सत्य संकल्प, इसलिए भागवत में बताए सत्यम परम धीमहि, कृष्ण कौन है वो परम सत्य है भगवान, जो संकल्प करते वो सत्य होता है, कभी मिथ्या होता नहीं। लेकिन भगवान ने क्या उठा दिया, चक्र उठा दिया, रथ की पहिया उठा दिए हैं, पहिया उठा दिए। ऑलरेडी तो ठाकुर जी उठा चुके हैं पहिया को, फिर पहिया को क्या करेंगे, फिर वहीं से ही वो पहिया को मारे फेंक करके। जब फेंक करके मारे ना कहाँ पर, ये कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये चक्कर जाकर कहाँ गिरा, बोले एक चक्र जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है ना, उनको पता था एक दिन यही पर श्री नित्यानंद प्रभु जन्म ग्रहण करेंगे मेरे बड़े भैया श्री बलदेव प्रभु, इसलिए उन्होंने सुदर्शन उन्होंने पहिया को फेंके तो पहिया घूमते 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 जा करके वहीं पर महा नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान में पड़े, इसलिए वो गांव का नाम हो गया एक चक्रा। क्या हो गया, चक्र एक था और वो गिरा वहां पर, इसलिए उसका नाम क्या हो गया एक चक्रा। और गांव का दूसरा नाम है राड़ देश, जो ढह है कभी कभी रह हो जाता है, इसलिए क्योंकि भगवान कहाँ जन्म लेते हैं, जैसे बलदेव प्रभु गोकुल में जन्म हुए हैं, वही बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु रूप में आए, इसलिए ये गोकुल अभिन्न ये राड़ देश मतलब राधा देश, वो जो
जो नवद्वीप धाम है वो गुप्त वृंदावन है। पहले मैंने सुनाया था ना कथा को, बताओ तो आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ, कौन बोले इसको याद है? क्या तुम लोग कथा नहीं सुनते हो? अरे बताओ कि नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ है? इसलिए राधा रानी ने देखा कृष्ण को ये नवद्वीप धाम प्यारा है, इसलिए कृष्ण जा करके छुप छुप करके ब्रजा से मिलते हैं, एक नई सखी से मिलते हैं। हाँ, बड़े सुंदर स्थान। राधा जी ने देखा कि ये स्थान कृष्ण को बहुत प्यारा है, इसलिए राधा रानी अपना हृदय से ये नवद्वीप नहीं, ये नवकुंज है, ये नवकुंज उन्होंने कृष्ण के लिए नवकुंज बनाए, यही नवद्वीप धाम है, है? इसलिए जो नवद्वीप धाम है ये अभिर्ण, ये ब्रजमंडल, जैसे कृष्ण वृंदावन में जन्म हुए वही कृष्ण महाप्रभु रूप में आए और फिर नवद्वीप में जन्म हुए हैं, इसलिए वो जाकर ना भरार देश वहीं पर श्री नित्यानंद प्रभु जन्म हुए। जब नित्यानंद प्रभु जन्म हुए एक दिन एक सन्यासी आए, हैं एक सन्यासी आए आकर के जब नित्यानंद प्रभु थोड़ी सी बड़े हुए तब उन्होंने उनको पिताजी हराए पंडित को बोले देखो मैं तीर्थ घूमना जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में कोई संगी है ही नहीं, तुम अपना बेटे को दे उस दिन मैं तीर्थ में ले जाऊँ। और नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु तब उन्होंने जब उन्होंने बेटे को मांगे अगर तुम्हारी एक बेटा बड़ा सुंदर बेटा हो अगर कोई बोले तुम्हारी बेटे को दे दो तो दे दोगे बेटे को, दे दोगे बेटे को, नहीं दोगे ना? वो इतने दुखी हो गए बोले हे भगवान ये कहाँ मेरे बेटे को मांग रहे हैं, मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। फिर याद कर रहे हैं जब दशरथ महाराज के पास में विश्वामित्र जी आए और उन्होंने राम लक्ष्मण को मांग करके लेकर गए थे, बोले मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और ये राक्षस लोग आकर के यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, लेकिन दशरथ महाराज का राम लक्ष्मण कितने प्यारे थे, लेकिन होने पर भी संत सेवा के लिए उन्होंने छोड़े। इसलिए आज संत आए मेरी कड़ी क्या है? तब उन्होंने बोले मैं बेटे को कैसे दूँ, बड़े दुखी होकर के बेटे को दिए, लेकिन वो जो सन्यासी है ना बोले देखो मैं भी तेरे को एक चीज देखने जा रहा हूँ, एक ठाकुर जी है जिसका नाम मुरलीधर, इतना छोटा सा लड्डू गोपाल, बोले देखो जब तुम्हारी हृदय में नित्यानंद प्रभु को याद आए ना ये जो ठाकुर में देखने जा रहा हूँ जब तुम ये ठाकुर को दर्शन करोगे इनके अंदर में तुम देख पाओगे, नित्यानंद प्रभु के इसके अंदर में देख पाओगे, क्यों? नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु और कृष्ण बलराम में कोई फर्क नहीं, वो दो भाई एक ही है, कृष्ण देखने में काले और दाऊ भैया देखने में गोरे, केवल इतना ही फर्क और कोई फर्क नहीं है। बोले जब जब इनको देखोगे ना इनके अंदर में ही नित्यानंद प्रभु को तुम दर्शन करोगे, इसलिए अभी भी वो ठाकुर जी एक चक्र गांव में है जो ठाकुर का नाम है मुरलीधर है, और वो इतने दुखी हो गए और हराए पंडित रोज हरिनाम करते थे, रोज हरिनाम करते थे, लेकिन जब वो सन्यास ले बेटा जब चला गया उनसे हरिनाम और नहीं हो पाए, बेटा को विरह दी, इसलिए वहाँ पर एक पेड़ है उसका नाम माला तला, मतलब अपने जो माला को ना उसी पेड़ में लटकाती हूँ, उससे और भजन नहीं हो पा रहा, क्यों? मेरे बेटे को सन्यास लेकर गए। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को लेकर के सर्वत्र गए, बोले गए कि ये सन्यासी क्यों लेकर गए, बोले कारण है जहाँ पर इनकी चरण पड़ेगा वो स्थान पवित्र हो। जो संख्या बलदेव प्रभु है ना हम पहले सुन रहे थे ना, जहाँ पर एक संत जन्म हो जाए जितना दूर तक उनको दृष्टि जाए सारा राज्य कल्याण कर देता है, हाथ उठा करके नृत्य करके स्वर्ग से देवता को कल्याण होता है, जब उनकी चरण स्पर्श सभी पृथ्वी के ऊपर हो पृथ्वी भी अपने आप को धन्य धन्य मानती है। एक संत कहीं जैसे गुजरात का नाम सुना ना, अब भागवत कथा सुना होंगे, भक्ति देवी कहती है अरे उत्पन्ना द्रविड़े साहब वृद्धि करना अटके जता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता, बोले मेरी जन्म तो उत्पन्न द्रविड़ देश में जन्म हुई, कर्नाटक में
जा करके खड़ी हुई है महाराष्ट्र में, कहीं कहीं करके आदर मिली, लेकिन जब गुजरात आए ना पूरा मैं बुरी हो गई। मैं बुरा गया पूरा भक्ति की हूँ, वहां पर तो नास्तिक लोग रहते थे, कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, भजन भजन से कोई मतलब नहीं, इतने नास्तिक कहीं भी ठाकुर को पूजा नहीं, कहीं तुलसी पौधा नहीं, अगर कोई तिलक लाई तो देख लिया ना तो बगुला क्या काटी कर दिया है, गले में अगर कोई कंठी पहने तो बोले भैया क्या पाप तुमने कर दिया, लकड़ी को पहन लिया, अगर कोई छोटी कदर रखे ना बोले जतमा ये एरिया जितना है, मतलब इतने संतों को देख करके जब तक उनको देश से कोई अगर साधु वहां पर चले जाए, जब तक देश से खदर नहीं देना उसको पीछा नहीं छोड़ते थे, इतना नास्तिक देश था गुजरात। लेकिन अभी देखोगे ना सबसे समृद्ध गुजरात है, सबसे समृद्ध क्यों, वहां पर संत जन्म हो गए, तुकाराम नरसिंह भक्त बल्लभाचार्य ये सबके सब संत लोग का जन्म हुए, जिस जगह पर कोई संत जन्म हो जाए आप बताओ कि जयपुर का इतने जयकार क्यों हो, ये गोविंद देव आ गए, कौन आ गए, ये गोविंद देव आ गए यहाँ पर। और ये गोविंद देव को किसने स्थापित किया, ये द्वापर युग का ठाकुर है जिनको बज्रनाथ ने, ये ठाकुर जी के कृष्ण का जो पौपुत्र थे उन्होंने ये ठाकुर जी को स्थापित किया, इसलिए यहाँ पर जो ठाकुर जी है वो द्वापर युग का ठाकुर है, इसीलिए ये ठाकुर जी यहाँ पर पता नहीं कहीं पर कोई कोई दर्शन नहीं, इसलिए वो ठाकुर कोई साधारण ठाकुर जी नहीं है, तभी यहाँ पर इतना जय जयकार है। देखो सवेरे जाकर देखो कितने ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए कितने लोग आते हैं, मुझे लगता है कहीं भी इतने लोग मंगला आरती में नहीं आते होंगे जितने जयपुर में आते हैं, जितने जयपुर में आते हैं। इसलिए ठाकुर जी जिस समय ये औरंगजेब ने आक्रमण किया, सब हिंदू विद्वंस था, सारे ठाकुर को तोड़ फोड़ कर रहे थे, ठाकुर जी कहाँ चले आए, मान सिंह ने जयपुर ले आए, बोले क्यों ले आए, देखो ये जी इनको समझो भगवान को पर कोई अत्याचार कर सकता है, जिनकी एक इशारा हो जाए जिसको विश्व ब्रह्मांड सृष्टि प्रलय हो जाएगी, एक इच्छा भगवान को मुसलमान कोई भी कर सकता है नहीं, तो ठाकुर यहाँ पर क्यों आए, वो इसीलिए आए जहाँ उनको प्रेम करने वाले होना, ठाकुर केवल प्रेम की होते हैं, ठाकुर केवल प्रेम की होते जानते हैं कि जयपुर का लोग बड़े भक्त लोग हैं, बड़े भक्त लोग जयपुर में तभी ठाकुर जी आए, तुम्हारी सेवा लेने के लिए आए ठाकुर जी हैं, और देखा वृंदावन में भले यहाँ पर है लेकिन ये इतना भक्ति करने वाले नहीं, अब वृंदावन में जाओ कितना लोग आरती में मारते, गोविंद देव भी जाओ कोई देखेंगे दो एकता खुदा कोई मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो कितने लोग आ रहे हैं आरती दर्शन करने के लिए, इसीलिए ठाकुर जी यहाँ पर केवल भक्तों का भक्ति से खुश होकर के, इसलिए भगवान भक्त वत्सल है, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री गोविंद भगवान की। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते नित्यानंद प्रभु इसलिए गए तीर्थ में, वो जहाँ जहाँ पर जाएंगे जहाँ पर उनके चरण स्पर्श होगा वो पृथ्वी धन्य हो जाएगा, इसलिए महा नित्यानंद प्रभु 20 साल तक उन्होंने ये तीर्थ भ्रमण किया, लेकिन भ्रमण करते करते जो उसने माधवेंद्र पुरुष मिले नित्यानंद प्रभु, और उन्होंने माधवेंद्र पुरुष उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया, दीक्षा मंत्र लिया, देखो यहाँ पर कहते क्या, बोले नित्यानंद बोले जत तीर्थ कर लामा सम्यक तहाय आज पाई लामा, नित्यानंद बोले जत तीर्थ कर लामा सम्यक तहाय आज पाई हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
Yeah.
वृंदावन बिहारी लाल की जब श्री नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्रपुरी से मिले। ये माधवेंद्रपुरी कौन है? इसलिए कहते हैं बोले माधवेंद्रपुरी प्रेम माया काले बार प्रेम माया माधवेंद्रपुरी का नाम सुनेगी नहीं। माधवेंद्रपुरी कौन है? महाप्रभु का गुरु जी का गुरु। महाप्रभु का गुरु जी कौन थे? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी का गुरु जी माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु का गुरु जी माधवेंद्रपुरी। आप उनका नाम सुने होंगे जिन्होंने गोपाल जी को प्रकट किया गिरिराज गोवर्धन में, जो किसी से कभी भीखा नहीं मांगते थे, जिनका अजाचक वृत्ति, अजाचक वृत्ति मतलब कभी किसी से भीखा नहीं मांगते थे, जो मिल जाता था उसको खा करके भजन करते थे। तो जब कोई कुछ नहीं देते थे फिर क्या करते थे? बोले ये इतने उन्नत संत थे जब कोई कुछ नहीं देता था ना, कि जो कृष्ण नाम को बताया, कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्त विनत प्राण। जब भजन करते 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 इतने एक उन्नत अवस्था पहुंचता है, जब हृदय एकदम निर्मल शुद्ध हो जाए, अनर्थ से मुक्त हो जाए, जब ये हरिनाम करोगे ना तो खाने पीने का जरूरत बोली हरिनाम से ही अमृत निकलता है। इसलिए कृष्ण नाम को सुधा बताया। इसलिए जब कोई भोजन नहीं देता था, जब ये हरिनाम करते तो उससे ही अमृत निकलता था और इसको ही पान करके अपना जीवन को धारण करते। इतने बड़ी ये संत थे। एक दिन कोई कुछ भोजन नहीं दिया तो ठाकुर जी स्वयं भोजन लेकर के आए। भगवान कृष्ण बोले बाबा आज तुम भूखे हो, लो ये दूध पी लिया करो। बाबा बोले तेरे को कैसे पता चला मैं भूखा? बोले देखो ये मेरे ये गांव तो मैं ये रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखे नहीं रहते, ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते हैं, कोई तो मांग करके खाता है और जो नहीं मांग कर खाता है ना मैं स्वयं उसको खिलाता हूँ। बोल कह कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं खिलाता हूँ। यहाँ पर कुछ गोपियाँ यहाँ पर पानी भरने आई थी और देखा तुम यहाँ बैठ कर तो भजन कर रहे हो, हमने हाथ में ये दूध दे दिया, ले ये दूध पी लेता हूँ, मैं क्रिया चलाने जा रहा हूँ, ये पात्र को रख लेना, मैं पात्र को वापस में ले जाऊंगा। जब वो दूध को पिए ना, जीवन में तो बहुत दूध पिए लेकिन जो कृष्ण स्वयं जो दूध देते के बताओ उसमें कितने स्वाद नहीं होगा, कितने स्वाद नहीं होगा। जो दूध को पिए इनके रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई, इतने मीठा स्वाद मैंने कभी दूध पिया ही नहीं। लेकिन जब जब भजन करने लग रहा हरिनाम करते हैं ना, वो बालक बारम्बार उनकी याद में आ रहे हैं, सोच रहे हैं भैया ये क्या याद बना कर पूछेगा। जब जब भजन करता हूँ यही याद आ रहे हैं। क्यों भजन किसके कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं। वो तो कृष्ण थे ना, वो तो स्वयं गोविंद देव थे, जिन्हें दूध देकर गोविंद देव जी गए हैं। बोले एक बारम्बार याद क्यों आता है? थोड़ी सी झपकी लगे ना ठाकुर की याद। बोले बाबा ये गाँव का मैं ठाकुर हूँ, मेरे को वज्रनावने ये जो गोविंद देव के जिन्होंने प्रकट किया है, ये वज्रनाव ने मेरे को प्रकाशित किया था, ये मुसलमान का आक्रमण होने पर मेरे सेवक देखो ये जंगल में मेरे को फेंक करके चले गए, मैं बड़ी दिनों से तेरे राह देख रहा था, कब माधवेंद्रपुरी आकर के मेरे को प्रकाशित करेगी। तो उन्हें स्वप्न देख रहे हैं, ठाकुर जी हाथ पकड़ कर ले गए, हाथ पकड़ कर ले गए, बोले देखो यहीं पर मैं पड़ा हुआ हूँ, ये गाँव का मैं देवता, मेरे को यहाँ से निकाल। जब उनको होश आया ना नींद पूरी, रोने लग गए, वो छलिया मेरे को छल कर ही चली गई।
वह छलिया को मैं पहचान नहीं पाया, वो स्वयं कृष्ण ही दूध लेकर गए। अभी उनको आदेश को पालन करने के लिए गए, पूरा गांव के लोग को बुलाए, बोले तुम्हारे गांव का ठाकुर यहाँ पर पड़ा हुआ, बोले कहाँ पर, बोले आओ मेरे को ठाकुर जी हाथ पकड़ कर दिखलाए। वो झाड़ी को अंदर में गए तो ठाकुर वहां पर स्वयं श्रीनाथ जी प्रकट हुए। बोले श्रीनाथ श्रीनाथ भगवान की, और उन्होंने उनको है उनको बड़े सुंदर शरीर में उनको तेल घी दूध दही से पंचामृत से खूब मल मल करके, ठाकुर जी बड़े दिन से पड़े हुए थे ना, उनको मल मल करके स्नान कराया, गोविंद कुंड का पानी से उनको अभिषेक करवाया। लेकिन जब सेवा कर रहे थे और या क्या अन्नपूर्ण मथुरा में बड़े बड़े दानी लोग है, बड़े बड़े भक्त लोग ब्रज में, लोग स्वाभाविक रूप में भक्त ही है, ठाकुर का प्रति प्रेम है। अभी भी हमारे जन्माष्टमी में वहां पर खूब दान है, पीपा पीपा की घी भोली भोली चीनी भोली भोली है क्या बेसन देते हैं, अभी भी देते हैं। इसलिए वहाँ के भक्त लोग सब गाँव के गाँव अब बड़े पर आए और अलग अलग गाँव से लोग आए, बोले आज हमारी तरफ से अन्नपूर्ण, बोले आज फिर महीना तक अन्नपूर्ण चली, अलग अलग गाँव से आए, अरे ठाकुर जी को खूब भोग लगाए। लेकिन माधव ने तो क्या देखा, इतने सारे भगवान के जो भोग लगाए ना, ठाकुर तो बड़े दिन से पड़े हुए थे भूखा, ठाकुर जी सब कुछ खा लिया, सब कुछ जो भोग लगाए खा लिया, उन्हें स्वयं ये चीज को अनुभूति किया। ये चीज को तो हमको क्या लगता है, हम ठाकुर के सामने रखे और ले आए, ठाकुर थोड़ी जाए आए तो बाप हो जाता है ना, हम लोग ये सोचते हैं। देखो ऐसे नहीं, हम लोग बद्ध जीव है, हम लोग को खाने से कम होता है, लेकिन ठाकुर खाने से कम नहीं। हम कहते ना प्रसाद कभी कम नहीं होता है, प्रसाद बढ़ जाता है, ठाकुर जी खाते हैं वो हमारे जैसे नहीं, हम खाने से कम हो जाएगा, ठाकुर खाने से कहते ना ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। भगवान पूर्ण है, वो खाने से कभी कम नहीं बल्कि बढ़ जाती है। उन्होंने ये अनुभूति किए, ठाकुर जी जो कुछ भोग लगाए थे ठाकुर सब कुछ भोजन कर दिया, फिर हाथ जब घुमा दिया ना फिर जैसे बैसे बैसे करते, और उन्हें सबको भोजन कराया। फिर लास्ट में तो एक ग्लास केवल दूध को पिए, सबको भोजन करा करके एक ग्लास दूध पिए। फिर ठाकुर जी स्वप्न दिए, बोले देखो मैं बड़े दिनों से ये झाड़ी को अंदर में पड़ा हुआ था, कितने गर्मी कितने मैंने सहन किया, लेकिन मेरे शरीर का जो ताप है ना नहीं जा रहा, चाहे जगन्नाथ पुरी जाओ वहां से एक मलय के चंदन वहां से लेकर के आओ, भगवान गर्मी लगता है, हैं? भगवान जब किसको अपने सेवा लेने के लिए चाहते हैं ना, भगवान की शरीर कैसे, हम कहते हैं ना निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, भगवान का जो शरीर है करोड़ चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल भगवान की शरीर, भगवान के शरीर में नहीं लगता, लेकिन भगवान भक्तों का सेवा ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी बहाना बनाते हैं भक्त कैसे मेरी सेवा करके कल्याण हो। उन्होंने स्वप्न दिया, ठाकुर जी बोले शरीर बड़ा गरीबी, कहाँ पर गए, जगन्नाथपुरी गए। लेकिन जब जगन्नाथपुरी गए ना, वो रास्ता में आता है गोपीनाथ जी है, रास्ता में गोपीनाथ जी, तो वहां पर पूछा भैया ठाकुर को क्या भोग लगता है, वहां का प्रसाद का नाम अमृत कली, क्या नाम है, नाम ही अमृत कली, जैसे दूध को गर्म करते 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 उसमें काजू पिस्ता किशमिश बादाम डाल करके, क्या बनकर खाए हो, बनकर खीर खाए हाथ उठा, आप दुनिया में बहुत खीर खाए होंगे लेकिन ऐसे खीर कभी नहीं खाए होंगे, क्या स्वाद होगी, इतने स्वाद आप कभी भाग्य में होगा तो कभी जाना खाना, वो खीर में कितने स्वाद है, इसलिए उसका नाम बोले अमृत कली। तो सुन करके कि मन में लोभ हो गया, बोले अगर इसकी स्वाद खरीद थोड़ी सी मेरे को पता चलता ना, मैं भी अपना ठाकुर को वृंदावन में अपना ठाकुर को कैसे भोग लगाती। लेकिन जब उतनी की इच्छा हो गई फिर सोचे हे भगवान ठाकुर को भोग नहीं लगा, पहले मेरी ही भोग हो गया, मेरा लोभ हो गया, अगर थोड़ी सी मिलता तो अपराधी मान कर चले गई वहां से थोड़ी दूर में बैठ कर भजन कर रहे थे। भगवान का भक्त वत्सल है, वहां पर 12 सपड़े में मिट्टी के पात्र में ठाकुर को भोग लगता था। ठाकुर जी ने क्या किया, एक पात्र लेकर के अपना कपड़े को अंदर में छुपा दिया,
कपड़े में छुपा दिए। ब्राह्मण को पता नहीं चला, लिपा बता करके साफ सुथरा करके जब सो गई ना, ठाकुर जी स्वप्न दिए। ब्राह्मण उठो, उठो ब्राह्मण जी, मेरा ब्रज से एक भक्त आया जिसका नाम माधव है त्रिपुरी। मैंने मेरी माया से, तेरे को पता नहीं चला, उसकी इच्छा है खीर खाने की, और मैंने एक सपड़े को अपना कपड़े के अंदर में छुपा करके रखा, ले जाओ उसको ले कर। बोले क्या, मैं तो साफ सुथरा करके आया, तुझे दिखाई नहीं पड़ा। ठाकुर को स्वप्न देख करके सचमुच से जब दरवाजा खोल कर देखा ना, ठाकुर जी कपड़े में चोरी करके रखे, ठाकुर जी छुपा करके रखे हैं, ठाकुर जी छुपा करके ठाकुर जी रखे। बोले भैया ऐसे कौन सा भक्त है जिनके लिए ठाकुर स्वयं चोरी किया खीर को और मेरे को स्वप्न दिया। फिर तो ढूंढे बाबा को, बोले बाबा पृथ्वी में सबसे सौभाग्यवान तुम हो जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी तेरे लिए खीर चोरी किया। इसका नाम माधव त्रिपुरी। बोले नहीं हूँ। बोले लो ठाकुर जी तेरे के लिए चोरी खीर किया है, इसलिए तब से वो ठाकुर का नाम पड़ गया। पहला नाम था गोपीनाथ, उसका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। सारा दुनिया को चोर चोर बोलता है, चोर चोर बोलता है। आप देखना जो चोर को अगर चोर बोलो तो क्या भूसा होगा कि नहीं, चोर को भी अगर तुम चोर बोलोगे ना क्रोध आएगा कि नहीं, लेकिन सारा दुनिया जाकर चोर चोर। ठाकुर जी खुश हो रहे सुनकर, बोले हाँ चोरी तो मैंने की है, किसके लिए किया, मैंने अपना भक्त के लिए किया। इसलिए भक्त के लिए ठाकुर जी किया नहीं करते हैं, हैं? इसलिए उनका नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान ने की। देखो सुन लो, वो ठाकुर जी कैसे आए, ध्यान देखो सुनो, हमारे भारत में क्या विचित्र लीला ठाकुर जी, वो ठाकुर जी कैसे प्रकट हो गई, बढ़िया देखो। बोले भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वनवास गए थे, जब ऋषियों का आश्रम को पास में रहते थे, एक दिन ऋषियों का आश्रम में गैया रहती थी, एक दिन आंधी तूफान आ गया, आने पर गैया आप सब इधर उधर भागने लग गए। भगवान राम बैठे बैठे तो मुस्कुरा रहे थे, इतने में माता सीता जी ने पूछा प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो। बोले कोई बात नहीं, बोले नहीं वैसे बड़ी कोई मुस्कुराएगा, जरूर मन में तो कुछ भाव आएगा, तभी तो कोई मुस्कुराएगा ना। बोले देख सीते, मैं अगले अवतार में श्री कृष्ण बन कर जाऊंगा, और अभी तो मैं राजा घर में आया हूँ, उसी समय में मैं ग्वाला का घर में आऊंगा, और मेरे पिताजी का 9 लाख गैया होंगी हैं। बोले इतनी गैया? बोले हाँ। बोले मैं गैया जरा था, और इसी जीवन अवतार में तो मैं तेरे सिवाय और किसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, एक पतिव्रता नारी में पति बन कर रहूंगा। लेकिन जब कृष्ण अवतार में ना, फिर तो 100 करोड़ गोपियां होंगी जिसको साथ त्रास करूंगी। इतने गोपियां होंगे? बोला हाँ इतने गोपियां, 8 तो मेन होंगे, तू तो सबसे मेन होगी राधा रानी, और 8 ललिता विशाखा चंपकलता कुंभ विद्या चित्रा सुचित्रा गंगा देवी सुदेवी, मेरे बहुत सखियां होगी हैं, और मेरे ग्वाल बाल होंगे राम वसुधाम श्रीधाम मधुमंगल स्तोम कृष्ण, और सुंदर बंसी बट को नीचे मैंने बंसरी बजा कर उनको मैं बुलाऊंगा, गोपीनाथ बन करके इनको बुलाऊंगा। इतने में सीता बोली प्रभु आप थोड़ी सी आप कैसे रूप होकर दिखाओगे, अभी तो रामावतार में देख रहा हूँ, कृष्णावतार में कैसे होगा आप दिखाओगे। बोले ठीक है सीता, मैं 7 दिन बाद में तेरे को मैं दिखाऊंगा। ठाकुर इतने में गुफा में भगवान राम गए, लेकिन 7 दिन पूरी नहीं, केवल 4 दिन हुआ था, सीता की मन में इतना उतावली आ गई, बोले प्रभु अभी दिखा, मेरे को शांत नहीं हो रहा है, आप कैसे बनोगे, आप तो रोज अंदर में चले जाते हो बना, तो मेरे को अभी दिखाओ। लेकिन उसी समय में थोड़ी सी मोटामोट बन गया था, जब उन्होंने फिर वो कृष्ण मूर्ति को स्वयं भगवान, ये विग्रह कहीं दुनिया में नहीं देखोगे, ठाकुर ठाकुर जी को बनाया कहीं देखे हो, कहीं पृथ्वी में नहीं, भगवान भगवान को जो बनाया वो एक ही विग्रह है दुनिया में। इसलिए जब उनने 4 दिन बाद में ठाकुर को निकाले, भैया सीता देख कर तो खुश हो गई, बोले प्रभु आपने इनमें तो कोई फर्क नहीं दिख रहे थे, एक ही तो लग रहे हो। बोले हम तो थोड़ी अलग अलग, हम एक ही है, रामावतार में राम कृष्णावतार में श्याम है, राम ही तो श्याम बन कर आएगा। बोले तो प्रभु थोड़ी सी तो फर्क लग ही रहे हैं। बोले बताओ किया? बोले तो आप तो सीधा साधा लग रहे हो,
लेकिन ये ना तीन जगह से टेढ़े लग रहे, ये टेढ़े, और आपका जो आंख है ना बड़ा गंभीर दिख रहा है, लेकिन इन्हीं के आंख बड़े चंचल का है। बोले जिसका इतना गोपी हो गया आंख तो चंचल हो ही नहीं, जिनका इतने पत्नियां उनको आंख तो चंचल हो ही नहीं। बोले इनको हाथ में तो धनुष है और आपका हाथ में बंसुरी है। हाँ बोले तुम सही बताए। बोले प्रभु ये ठाकुर को मैं पूजा कर सकता हूँ? करो, नहीं तो ना, नहीं तो श्याम बन के क्या होगा, तो पूजा करो। जिस विग्रह को सर्वप्रथम माँ सीता ने पूजा, वो विग्रह को माँ सीता सोई। जब फिर ऋषि मुनियों ने निमंत्रण दिया, प्रभु यहाँ पर बड़े बड़े दैत्य आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ आओ। फिर भगवान राम को विग्रह छोड़कर चले गए। जब चले गए, इतने में ब्रह्मा जी और ब्रह्म लोग से आकर ऊपर गए, अब आकर के स्वयं ब्रह्मा जी इसको पूजा करते थे। लेकिन आप बोलो भैया उड़ीसा कैसे पहुंच गया ठाकुर जी ब्रह्म लोक में? इतने में एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब रोज आकर के फल फूल से और ठाकुर को पूजा करते थे, एक दिन उड़ीसा का एक राजा था जिनका नाम था लालगुड़ा नरसिंह देव। एक दिन वो भ्रमण करते करते वहां पर कैसे पहुंचे और देखा ये ठाकुर जी बड़ा सुंदर ठाकुर। बोले ये ठाकुर अकेले, उनको पता नहीं ब्रह्मा आकर के पूजा करते हैं, माँ सीता भी ये ठाकुर को पूजा करती थी। जब वहां पर देखा कोई है ही, इतने बड़े सुंदर ठाकुर की है, तब उन्होंने बोले मैं ले जाता हूँ ठाकुर जी को, बोले इसको ठाकुर को ले चलो। ले करके जब उड़ीसा में लाए, उड़ीसा में एक स्थान है बालेश्वर, उस स्थान का नाम बालेश्वर है और उसका नाम है और क्या है, रेमुणा है, रेमुणा। बालेश्वर में एक स्थान रेमुणा है, रेमुणा मतलब होता है रमणी, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता भी वहां पर रुके थे, जहाँ पर इसलिए रमणी बड़े सुंदर, जहाँ पर ग्वाल बाल गैया है। और वहीं पर जब ठाकुर को लेकर के आए ना रात को रोके और देखा वहां पर बहुत सारे ग्वाला लोग है और बड़े सुंदर स्थान, तब राजा को स्वप्न दिया, बोले महाराज मेरे को यहाँ से और मत ले जाया करो, क्योंकि यहाँ पर मैं भी तो ग्वाला था गोपाल, यहाँ पर मेरे जात भाई है, अगर यहाँ रहूंगा ना मेरे को रोज रोज राबड़ी मालपुआ और खीर दूध मक्खन में तो मक्खन चोरे है ही हूँ, यहाँ पर खूब मेरे को मिलेगा, मेरे को यहीं पर रख लो। फिर उन्होंने राजा ने वहीं पर मंदिर बनाए, वहीं पर रख दिए और वहां पर राम लक्ष्मण सीता भी वनवास में आए थे। और सीता, एक दिन सीता के मन में इच्छा हुई, बोले प्रभु मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ। भगवान ने उठाया धनुष और सात बार वो तीर चलाया, उन्होंने सात बार तीर चलाया और सप्त सराब नदी का नाम, जो सरा मतलब होता है गुड़िया में जिसको सर कहते हैं हम उसको तीर कहते हैं, और वहाँ गंगा सात धारा में प्रवाहित होकर के आई और वहाँ माता सीता ने वहीं पर स्नान किया। अभी केवल एक धारा थोड़ी सी दिखाई पड़ती है पानी में, एक धारा दिखाई पड़ती है। बोले प्रभु मैं गंगा स्नान के बाद में शंकर पार्वती को भी दर्शन करना चाहता हूँ। स्वयं शंकर पार्वती भी वहां पर बैठ गए, अभी भी वहां पर देखोगे ये सब लीला स्थल देखोगे। इसलिए ये माधवेंद्रपुरी, जब खैर उन्होंने इनके लिए चोरी किया ठाकुर जी, जब खैर चंदन लेकर के आए ना माधवेंद्रपुरी, ठाकुर बोले माधवेंद्रपुरी में और गोपाल में कोई फर्क नहीं, यहीं पर चंदन घिस करके लगाओ मेरे शरीर में, मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा ना, और नाथों द्वार में जो गोपाल जी बोले वो अपने आप ठंडा हो जाएंगे। फिर उन्होंने वहीं पर ठाकुर को चंदन घिस लगाया। इसलिए कहते जो माधवेंद्रपुरी कैसे है, वो क्या प्रेम, जब वो मेघ को देखते थे कृष्ण स्मरण होता था, मेघ को देख कर वो गुरजित हो जाते थे, इतने संत थे। दिन रात कृष्ण प्रेम में आंसुओं में हर समय आंख गिली रहती थी, 24 घंटा ये संत ऐसे थे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो माधवेंद्रपुरी, बोले जिनकी शरीर में कृष्ण हर समय कृष्ण, जिसके शरीर में विहार करते थे।
भक्तिरा से माधवेन्द्र आदि सूत्रधार गौरचंद्र इहा कहि आचन बार बार। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले जो भक्ति रस का जो मूल जो सूत्रधार है कहते श्री माधवेन्द्रपुरी जहाँ पर कृष्ण प्रेम की अंकुर जहाँ से प्रारंभ हुआ है, हैं कहते एक श्लोक है कहते जो एक श्लोक को दुनिया में केवल तीन व्यक्ति इसका आस्वादन किए हैं, हैं कौन सा श्लोक है? हे दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकसि, मतलब ये ऐसे राधा रानी ये विरह में कृष्ण विरह में ये श्लोक उच्चारण की, कहते केवल तीन व्यक्ति ये श्लोक का आस्वादन किया। बोले कौन कौन? बोले एक श्रीमती राधा रानी, दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु और तीसरे श्री माधवेन्द्र। कहते चौथा व्यक्ति को सुनने को नहीं मिलता जो ये श्लोक का जो पूर्ण रूप में कोई रसास्वादन किया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि जो माधवेन्द्रपुरी महाप्रभु जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आए वो जो ब्रज भक्ति को देने के लिए राधा रानी की निकुंज की सेवा देने के लिए जो आए हैं इसका मूल जो अंकुर श्री माधवेन्द्रपुरी हुए। बोले श्री माधवेन्द्रपुरी पाद की, और ये माधवेन्द्रपुरी पाद जो है इनके लिए कह रहे हैं कि जब श्री नित्यानंद प्रभु इनसे मिले और उनसे दीक्षा मंत्र लिया ना, श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं आज हमारे तीर्थाना सार्थक हो गया, आज तीर्थाना सार्थक हो गया। बोले क्यों? हाँ ये चीज को समझो अच्छे तरह से, हम लोग क्या चाहते हैं? बोले तीर्थ जाए घूमने, तीर्थ जाए, लेकिन भागवत में तीर्थों को दो उदाहरण देकर बताया। बोले ये तीर्थ क्या है? बोले एक कुंजर शौचवत और एक वेणु गुल्मवत। बोले मतलब क्या होता है? जैसे एक हाथी को आप तालाब में उतार करके अच्छे तरह से मल मल करके स्नान कराते, देखना हाथी का एक स्वभाव है वो पानी से उड़ते ही सबसे पहले धूल ढूंढेगा, अगर धूल नहीं मिलेगा तो वो प्यार में रोंद करके धूल बनाएगा और सूंड में लेकर फर करके सारा शरीर लगाएगा। ये तीर्थ ठीक ऐसे है, हमारे उड़ीसा में कुछ कुछ माता हैं एक महीना तक व्रत रखेंगे पूरा कार्तिक महीना में, अभी साहब ने खाएंगे जहाँ तो अभी साहब ने मतलब किया दिन में एक बार खाएंगे चावल में दाल सब्जी सब डाल करके उसको उबाल देंगे और थोड़ी सी उसमें घी डाल करके दिन में एक बार खाएंगे, एक महीना तक पूरा व्रत रखेंगे, एक महीना तक पूरी में जाएंगे और पूरा व्रत रखेंगे। लेकिन एक महीना बाद में जो व्रत को करके फिर वहाँ पर समुद्र में स्नान कराएंगे बोले सारे पाप को धो करके हम सारे पाप को धो करके हम आए, लेकिन घर में आते क्या करेंगे जानते हो? बोले इतना दिन से हो गया माछ मछली खाए नहीं और एक महीना तक इसको खा खा कर मुँह खराब हो गया। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। बढ़िया से माछ मछली ले आओ, बस बढ़िया से रसोई बना कर खाओ। गया कि नहीं सब्रत गया कि नहीं सब खत्म? ये जो तीर्थ है ना ठीक है, ये खूब घूमे गया गंगा कुरुक्षेत्र चारिधाम गंगोत्री जब सारे दुनिया घूम घाम कर आए, लेकिन जब घर में आते हैं ना जितना दिन तक रहे नियम को पालन किया भक्ति भक्ति किया घर में आते ही वही सास बहू की लड़ाई उसकी वही चुगली वही निंदा चर्चा पहले जो गंदा काम करते थे वही आज दान कर दिया हाँ घी में चर्बी मिलाकर मिला दिया बोले पाप कर्म किया बोले कल जाकर कबूतर खिला दो बात उसे दान दक्षिणा दे करके आ जाओ फिर आकर क्या करेंगे फिर वही पाप करना शुरू कर दिया सब कुछ बेकार हो गया कि नहीं वो तीर्थ बेकार हो गया कि नहीं सब बेकार हो गया तीर्थ है। इसलिए कहते हैं ये कुंजर शौचवत हाथी स्नान जैसे। दूसरे उदाहरण दिया वेणु गुल्म वत षष्ठ स्कंध में इसको कह रहे हैं वेणु गुल्म मतलब होता है जैसे बांस का जंगल हम उसको काट देते हैं और वहाँ पर जो सूखे पत्ते उसमें आग लगा देते हैं लेकिन ये लगता है जैसे ये सब आग लग गया सब खत्म हो गया लेकिन जब दोबारा फिर श्रावण का महीना आएगा बारिश होगी ना
देखना पहले जितने जंगल था उससे ज्यादा जंगल ऊपर पे निकले, लेकिन ऊपर से क्या लग रहा था, ये सबके सब जल कर राख हो गया। ये जो तीरथ है ना ठीक ऐसे ही है, लगेगा जैसे सारा दुनिया हमने घूम घाम करके चार धाम हो गया, अयोध्या मथुरा वाले माया काशी काशी सब घूम गए, गंगा प्रभास कुरुक्षेत्र सब नहा करके आगे सब पाप धो गए। शास्त्र कहता है तुम कहीं भी नहीं गया, घर में बैठे हो, ऊपर से घूमने के लिए गए थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते मान तू तीर्थ सदा रहता हो, सोचते तीर्थ जाए तीर्थ जाए, अयोध्या मथुरा माया काशी काशी। लेकिन भक्तमन ठाकुर कहते हैं ये तुम्हारी मन में भ्रम है, ये तीर्थ करने पर तेरे उद्धार हो जाएगा, ये सारे निरर्थक है, सबके सब बेकार है। आप बोलोगे भैया शास्त्र तो बताया तीर्थ जाओ, शास्त्र तो बताया ना तीर्थ जाओ, तब कहते भैया क्यों बताए, बोले तीर्थ फल साधु संत, इसलिए बताया तीर्थ में संत लोग रहते हैं, वहां जाकर गुरु की चरण में बैठ कर कथा सुनो, कथा सुनो और ये जीवन को परिवर्तन करो, जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाओ, प्रभु की प्रेम में लगाओ जीवन को। जब ये जीवन प्रभु की भजन में नहीं लगेगा, गंदे चीज को छोड़ोगे नहीं, तीर्थ में आए पर दो बार फिर पाप कर्म करो। इसलिए कहते तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर। अगर तीर्थ में गए, संतों का संग किया, ज्ञान की बात आहरण की, अपना जीवन को प्रभु का प्रेमय में लगा दिया, तो बस तीर्थ जाना तुम्हारी सार्थकता हो गया, तीर्थ जाना सार्थकता हो गया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गया गया जब उनका पिताजी की देहांत हो गया है, इतने में महाप्रभु भी गया गए, लेकिन जब उन्होंने अपना गुरु जी से मिले, ईश्वर गुरु जी से, महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जब तक क्षण देखिला चरण तुम्हार। महाप्रभु कहते हैं आज गया आना सार्थकता हो गया, क्यों आज अपना गुरु जी से मिले। नित्यानंद प्रभु यही कह रहे हैं, कहते इतना दिन तक मैं जो तीर्थ घुमा है आज मेरे को तीर्थ का फल मिला, क्यों आज श्री माधवेंद्रपुरी गुरु जी से मेरे साक्षात्कार हो गया। महाप्रभु कहते हैं गुरुदेव आपका चरण में सब कुछ समर्पण करता हूँ, आप कृपा करके दीक्षा मंत्र दो, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करो। और सचमुच से महाप्रभु जो गया से गुरुदेव से मंत्र लेकर के आए, पहले महाप्रभु थे निमाई पंडित, अभी पंडित निमाई नहीं, अभी प्रेमी की निमाई, दिन रात कृष्ण नाम को लेकर रोते पछाड़ गाते, दिन रात आंखों से आंसू बह रहे, कृष्ण बोल करके पागल बन रहे महाप्रभु। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया तीर्थ जाना तभी पूरा सार्थकता है जब तीर्थ में संतों का संग मिले, प्रभु की कथा सुने। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले गौर आमार जे सब स्थाने कर ल भ्रमण रहे, गौर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तीर्थ का फल है जब हम किसी प्रणयी प्रेमी के भक्तों के साथ में जाएंगे, नहीं तो हमारी भावना क्या हुई, हम एंजॉय करने जा रहे, घूमने जा रहे हैं, वहां पर पेड़ पौधा देखकर बड़े बड़े बिल्डिंग देखकर वापस चले जाएंगे। देखो एक समय मेरी अनुभूति बता रहा हूँ, कुछ बंगाल से लोग आए थे वृंदावन दर्शन के लिए, आप वृंदावन देखोगे नाली बह रही है, सूर्या घूम रही है, बंदर चश्मा निकाल कर ले जाते हैं, आप गए हो ना वृंदावन देखना, और पंडित लोग कभी कभी इतनी उत्पात मचा देते हैं, ये मंदिर करके पैसा निकाल लेती है, अरे बाकी भी अरे इतना भीड़ में जाओगे ना, देखोगे इधर घुसोगे दूसरे तरफ पकड़ खा लिया, चोरी हो जाती है, पकड़ मार हो जाती है, हैं ऊपर से देखोगे बड़े ये है। लेकिन ये जो वृंदावन में आए बंगाल से जो परिवार आए थे, बड़े श्रद्धा भावना लेकर के अरे वृंदावन जा रहे हैं,
जहाँ जमुना नदी बह रही है, जहाँ पर कृष्ण बंसरी बजाया करते थे, कृष्ण जहाँ पर गोपियों से रास किए हैं, जहाँ पर कृष्ण निधुवन में कोई रात को रहते नहीं, ठाकुर वहाँ लीला करते हैं, ठाकुर वहाँ बड़े भावना लोगों लोग लेकर के आते हैं वृंदावन में, है ना, कितनी अच्छी भावना लेकर के आते हैं। लेकिन अगर इधर उधर लोग को चक्कर में पड़ जाओ ना, सारे भक्ति भक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हैं, इधर उधर चक्कर में पड़ जाओ तो। लेकिन वो लोग हमारा मंदिर में रुके, और अभी तक थोड़ी सी वृंदावन सही, लेकिन उसी समय में नाली बहती थी, सूर्या घूमते थे इसे, उन्होंने जब वृंदावन में आकर के देखे ना, इनका मन इतने खराब हो गया, वो पंडे लोग इधर खींच रहे उधर खींच रहे, नाली बह रही है, सूर्या अब बंदर बड़े बड़े ही लोग। लेकिन वो मेरे मैं था, पर मैंने अपना साथ में लेकर के सब जगह में लेकर के बैठाया, बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, निधुवन किया है ये, निकुंज मैंने किया है, श्यामानंद प्रभु के सिंह यहाँ झाड़ू लगाए करते थे, राधा जी की चरण के नुपुर यहीं से मिले, कृष्ण यहीं पर मान किया था, कृष्ण यहीं पर अपने हाथों से राधा जी की अपने हाथों से श्रृंगार किया, ये वही स्थान है जहाँ पर गोपियों ने गोपी गीत गाए तो कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, यहीं पर कृष्ण राधा रानी की चिंता करते करते गौर रंग बन गए। मैंने उनको बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाई, सुन कर तो कहे तो बोले बाबा अगर आग नहीं मिलते ना हम जिनते भी कभी वृंदावन नहीं आते, और वृंदावन कभी नहीं आते हैं वृंदावन। इसलिए हमारे गुरु जी की, गुरु जी प्रभुपाद कहते थे भैया धाम को आंखों से मत देखो कानों से देखो, आंखों से मत देखा कर उसको कानों से देखो, मतलब क्या, वहाँ की कथा संतों की अनुगत्य में वहाँ की कथा को सुनो तभी वृंदावन की अनुभूति होगी, नहीं तो भैया पेड़ पौधा पेड़ मकान देख करके वापस चले जाएंगे। बल्कि वृंदावन गए और कुछ लोग जाते तो वहाँ पर बड़ी सुंदर टिकिया मिलता है, गोलगप्पे मिलती हैं, लस्सी मिलती हैं, दिल्ली से लोग क्या कहते ना हम वृंदावन में खूब एंजॉय करके आए, बोले क्या टिकिया टिकिया खाए, एक लस्सी खाए, गोलगप्पे दही वड़ा खा करके आए, बोले यही थी वृंदावन है नहीं। इसलिए कहते भैया तीर्थ बल साधु संग, साधु संग अंतरंग, जब हम संतों की आनुगत्य में ये धाम दर्शन करेंगे ना तभी ये धाम की पूरा तभी फल मिलेगा, नहीं तो धाम की तभी फल नहीं मिलेगी। इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं आज धाम आना हमारी सार्थक सार्थकता हो गया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दो शादी किया है, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। पहले तो उन्होंने लक्ष्मी प्रिया को शादी किए थे महाप्रभु ने, लेकिन इस शादी करके महाप्रभु जब तीर्थ महाप्रभु जब पूर्व बंगाल दर्शन करने के लिए गए, महाप्रभु का विरह में ये लक्ष्मी प्रिया ने शरीर धारण नहीं कर पाए, मेरे प्रियतम चले गए मेरे को छोड़ कर के, वो गए थे पूर्व बंगाल प्रचार के लिए, गए थे घूमने के लिए, लेकिन वो छोड़ दिए, तो फिर महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को शादी की। इसलिए महाप्रभु की दो पत्नी थी, महाप्रभु के दो पत्नी थी, और एक महाप्रभु का भक्त थे जिनका नाम था श्रीधर। क्या नाम था इनका? नाम था श्रीधर। कहते जो श्रीधर है ये क्या करते, इनका काम था जैसे सब्जी बेचते हैं ना, वहाँ सब्जी बेचा करते थे। क्या सब्जी? बंगाल में केले का सब्जी खूब खाते हैं, और केले का बीज पेड़ का बीच में एक होता है जिसको कहते हैं थोर, हैं, और केले का फूल जिसको कहते हैं बोचा कहते हैं, और केले का पत्ते में भोजन, पहले तो इधर उधर भोजन केले का पत्ते में ही भोजन करते थे। इसलिए ये सब चीज़ को, और जो लौकी लकलकी इसको क्या कहते हैं, लौकी ये बेचते थे, साधारण सब्जी बेचते थे, और बेच करके उससे जो प्रॉफिट होता था वो आधा प्रॉफिट तो गंगा की सेवा में लगाते थे, और जो आधा रह जाती थी वो आधा से अपना संसार को पालन पोषण करते थे, एकदम सीधा सता भक्त थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो बड़े हुए ना, महाप्रभु रोज उसको पास में जाते थे, रोज लड़ाई करते थे उसको साथ में, और नहीं देने पर भी ना उसको जोर जबरदस्ती महाप्रभु उनसे मांग करके लाते थे, बोले देख पैसा दूंगा नहीं लेकिन बढ़िया चीज देना पड़ेगा, वो परेशानी रोज रोज। और महाप्रभु तो लंबे चौड़े देखने में बड़े सुंदर, महा वो कहते थे भैया तुम मेरे पास में क्यों आ रहे हो, मैं कहाँ गरीब व्यक्ति,
दो पैसा इसे रोजगार करके संसार पालता हूँ और आधा तो गंगा जी का सेवा में लगाता हूँ। बोले गंगा की सेवा क्यों करते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? गंगा का मेरे बाप हूँ। बोले इतना बड़ा हो रहे तो इतना उत्पात बनते जा रहे हो, कहते गंगा के तुल पिता, किंतु भगवान के चरण से तो गंगा निकली है ना, गंगा तो उनके चरण से निकली, लेकिन उनको तो पता नहीं ये महाप्रभु कौन है, ये स्वयं कृष्ण ही है, उनको तो पता नहीं। वो कहते मैं तो गंगा जी का बाप हूँ, पति हूँ। बोले जितना बड़े होते जा रहे हो उतना उद्दंड बढ़ते जा रहे हो, हैं गंगा जी का पिता तू बता तो बाप तू बता रहे हो, हैं। बोले गंगा की पूजा करो, मेरे को पूजा करो ना, हैं मेरे को ही पूजा करो। फिर उनको साथ में महाप्रभु रोज लड़ाई करके बोले देख कोई पैसा नहीं दूंगा, बिना पैसा में देना पड़ेगा लेकिन बढ़िया दूंगा, पैसा भी नहीं दूंगा बढ़िया भी दूंगा। यही से महाप्रभु रोज उससे लड़ते थे। और महाप्रभु कहते देख तू कह ऊपर से तो दिखा रहे हो हैं साधारण सीधा साधा, लेकिन तेरे पास में बहुत धन, मेरे को पता है तेरे पास में बहुत सारे धन है, वो धन तो मेरे को बाद में मिलेगा, लेकिन अभी तेरे पास में जो कुछ मेरे को देते देखो। और महाप्रभु उनको बोलते थे, देखो ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात बोलते थे। बोलते थे महाप्रभु एक दिन प्रश्न किया, बोले श्रीधर तू तो लक्ष्मीपति को पूजा करते हो, नारायण लक्ष्मीपति को पूजा करते हो, फिर तू इतने गरीब क्यों है? तेरे पास में जो कपड़े हैं फटे फुटे कपड़े, और जिस घर में रहते हो भूसा की घर है, तू साधारण रूप में रह रहे हो लेकिन पूजा कर रहे हो लक्ष्मीपति को, नारायण को कृष्ण को पूजा करते हो। बोले देख जो व्यक्ति चंडी विषहरी और इधर उधर देवादेवी को पूजा करते ना, देख वो कितने कितने वो ठाड़ बाड़ में रहते हैं धन दौलत में, लेकिन तू पूजा करते हो लक्ष्मीपति को, तू इतने दीनहीन क्यों है? उन्होंने बोले देखो कि क्या उत्तर दिया उन्होंने, कितने सुंदर उत्तर दिया। बोले प्रभु मैं तो भूखा रहता नहीं, किसी ना किसी तरह से तो भोजन कर ही रहा, ऐसे नहीं भूखा रहता हूँ। अब पहनने के लिए हाँ लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, लेकिन किसी तरह से मैं तो सीधा साधा रूप में कपड़ा तो पहन रहा हूँ। हाँ लोग रहते हैं कोई 10 मंजिल 5 मंजिल के ऊपर में, लेकिन किसी तरह से भूस के घर में तो मैं रहता हूँ, ऐसे नहीं भोजन नहीं करता रहता नहीं पहनता नहीं। देखो जो धनीवानी लोग हैं जिसको बहुत पैसा एकदम राज ऐश्वर्य में रहते हैं, बोले देखो मेरा भी जीवन बीत रहा है और उनका भी जीवन बीत रहे हैं, दोनों का ही जीवन बीत रहा है, ऐसे नहीं मेरा जीवन समय नहीं बीत रहा है, समय सबको बराबर रूप में समय जा रहा है। कोई 10 मंजिल ऊपर रहता है, लेकिन देखो कि चिड़िया को देखो पेड़ के ऊपर सोता है, पेड़ को वो भी तो ऊपर सोता है, वो भी तो पेड़ में सोता है, लेकिन देखो उसे पार्थक्य क्या है, पार्थक्य क्या? बोले पार्थक्य ये है जो एक भक्त साधारण रूप में जीवन तो बिता रहा है, लेकिन करता है क्या? भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भगवान की भजन कर रहा है। और जो राज ऐश्वर्य में जीवन को बिता रहे हैं लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन भले ही जो कुछ जीवन में करो लेकिन जब अंतिम समय में शरीर छूटेगा, आप बताओ साथ में क्या जाएगा? अंतिम समय जो ले जाएंगे यही तो बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा ही तो बोलेंगे। बोले जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही तो जा रहेगा, लेकिन जो एक साधारण भक्त जो साधारण रूप में जीविका निर्वाह करते हुए भजन करता है भक्ति करता है, लेकिन वो कृष्ण धन में धनी। इसलिए मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने राम रथ न धन पायो, पायो जी मैंने राम रथ न धन पायो, I'm not
अंतिम समय में क्या जाएगा साथ में? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम भी जाएगा और तो कुछ आएगा नहीं। इसलिए भगवान जब उन्होंने माता कुंती जी को बोले वर मांगो, मैया कुंती भगवान से क्या वर मांगे, बोले प्रभु मेरे झोली में तो विपत्ति भर दो। भगवान बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे से संपत्ति मांगते, तू विपत्ति क्यों मांग रही हो? बोले प्रभु सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि और दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन कर दुख आए क्या। इसलिए माता कुंती भगवान से क्या मांगे, राज ऐश्वर्य नहीं मांगे। बोले नहीं प्रभु हमें राज ऐश्वर्य नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले कारण है अभी तक तो तुम्हारी याद करते थे, क्यों विपत्ति आता था इसलिए तेरे को याद करते, जब जब तुमको याद किए तब तक तू आया ना, दर्शन दिया है ना। लेकिन देखो संपत्ति का क्या गुण, देखो अभी मैं राजमाता बन गई, हमारे सारे शत्रु खत्म हो गए, दुजश्री बन गया राजा, लेकिन अभी तो हमको छोड़ने जा रहे। लेकिन जब विपत्ति में आता था, जब जब तेरे को याद करते थे तब तक तुम आता था, हमें दर्शन रहता पास में रहता था, संपत्ति होते ही अभी तुम दूर होने चले जा रहे हो। ये दुनिया में भी यही से होता है। इसलिए कुंती कहती है प्रभु चार व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले कौन कौन? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रे दमान मद अपमान। ये चार व्यक्ति तो अंदर में अभिमान आता है, ज्यादा थोड़ा पैसा हो जाए बोले भगवान भगवान भजन कर क्या होगा, सब बेकार काम है। जिसको कोई काम नाम दी उसको हरिनाम करते भजन करते। इसलिए प्रभु जिसको पास में ज्यादा ऐश्वर्य जो भजन नहीं करेगा। बोले स्त्री जिसको थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए, हीरो हीरोइन हो जाए, बोले तेरा भजन नहीं करेगी ये। और थोड़ी श्रुत मतलब थोड़ी सी ज्ञान हो जाए हैं, और कोई सी अच्छे कोई बड़े कुल में जन्म हो जाए, बोले प्रभु ये तरह भजन करेंगे नहीं। बड़ा अभिमानी ये लोग होते हैं, तेरे भक्ति भक्ति में उनका कोई मतलब नहीं। आप देख लेना कथा में भी देख लेना, ज़्यादा पैसा वाला को नहीं देखोगे, किसी जुआरी को पास में देखोगे, शराब पीते हुए देखोगे, गंदे काम में उनको सारे गंदे काम में देखोगे, कहीं सत्संग में भजन में आते हुए उनको नहीं देखोगे। ये मैया कुंती कह रही है बात को। इसलिए ये श्रीधर कह रहा है बोले प्रभु प्रभु इसलिए भगवान क्या कहते हैं, वो जान बूझ करके अपना भक्तों को ज्यादा ऐश्वर्य नहीं देते, वो जानते हैं ये मेरा भजन नहीं करेगा, भूल जाएगा। इसलिए वो कह रहा है बोले प्रभु आप मेरे को जो दीनहीन जो स्थिति है ये बढ़िया स्थिति, क्यों कम से कम तेरे भगवान के भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ। बड़े व्यक्ति को पूछो बोले पैसा कमाने में फुर्सत नहीं, बोले भैया भगवान के लिए समय निकाल, बोले बच्चे के लिए कुछ पैसा कमा करके जाए ना। बोले भैया जो व्यक्ति बच्चे के लिए, गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज़्यादा पैसा मत कमाओ, बच्चा हो ना होगा तो कमा ही लेगा, अगर बिगड़ेगा ना जितने कमा करके जा रहे हो ना, दारू मांस जुआ कर सब खत्म कर देगा तुम्हारी। किसका बच्चे ज़्यादा बिगड़ते देख लेना, जिसने जितना ज़्यादा पैसा कमा कर गए उतना बच्चे को उतना ही बिगड़ तुम देखोगे। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया ऐसे धन कमाओ जो धन अभी भी तुम्हारे पास में रहेगा और बाद में पूरा ही तुम्हारे पास में रहेगा। इसलिए चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बड़द सवार। कौन सा धन है? बोले पायो जी मैंने राम, ये धन तो कमाओ गुरु जी कहा करते थे हैं। इसलिए ये श्रीधर महाप्रभु कह रहे बोले प्रभु जीवन तो बराबर सदका जा रहे, पैसा वाला हमारी, लेकिन हम तो माली माला प्रभु का भजन कर रहे ना, हम तो माली माला को जमा कर रहे हैं, हम तो माली माल है। और एक चीज बताए बोले बताओ, ये महाप्रभु बताए ना जो दूसरे देवादेवी को पूजा करते हैं वो धनी मानी, लेकिन जो भगवान नारायण गोविंद देव को भजन करते तो सीधा साधा क्यों है? कारण है क्या? बोले कारण है भगवान निर्गुण है। भगवान कौन है? ये सत्व रजत तम ये तीनों गुण से ऊपर भगवान। लेकिन ये जो दूसरे दूसरे जो देवादेवी कौन है, ये तीन गुण सत्व रजत तम तीन गुण के अंतर्गत। इसलिए इनको भक्ति करने से ये दुनियादारी वस्तु को देखकर जीव को संसार में बांध करके रखते हैं।
लेकिन ये भगवान निर्गुण होने का वजह से वो नहीं चाहते हैं उनको ये गुण संसार की वस्तु दे करके संसार में बांध करके रखे। वो चाहते हैं उनको वैकुंठ प्रेम दे, गोलोक वृंदावन निर्गुण वस्तु ठाकुर की भक्ति दे। जो भक्ति पाने से कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले आप ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपदूत पौंतय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, अगर तुम पुण्य कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी जाओगे, ब्रह्मलोक से गिर उठे। लेकिन जो केवल मेरे भक्ति करते हैं और मेरे धाम में आते हैं, जहाँ जाने से जीव कोई पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कभी कभी अपना भक्तों को जान बुझ करके ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, माया से उनको नहीं बांधना चाहते हैं। इसलिए भागवत पढ़ करके देखो, जब इंद्र ने अपराध की, जब भगवान के चरण में माफी मांगने आए, भगवान क्या कहते हैं, बोले जस्य अहम अनुगृह्णामि हरि से तब धन अवसरे। मैं जिसको ऊपर कृपा करता हूँ सांसारिक वस्तु बल्कि हम बंधन को खत्म करता हूँ तो धीरे धीरे, क्योंकि वो एकनिष्ठ होकर के मेरे चरण में ही अपना मन प्राण चित्त केवल मेरे को दे। अगर एक जीवन में प्रभु की भक्ति सही सही कर लिया, बेटा पार ही तुम्हारे, बेटा पार ही, फिर ठाकुर के पास में जाओगे, अरे जहाँ जाने से कभी वापस तो नहीं आओगे। इसलिए ये श्रीधर ये बात को कह रहा है, बोले प्रभु समय तो हमारी बराबर जा रहे हैं, लेकिन माल तो हम कमा रहे हैं ना, ठाकुर को भक्ति तो कर रहे हैं, अरे यही धर्म तो अंतिम समय में हमारी काम में तो आएगा प्रभु। इसलिए प्रभु हम बड़े खुश हुए हैं, बड़े खुश प्रसन्नता है। अरे देखो कहते यहाँ पर और एक अच्छी बात बताई, महाप्रभु जो जन्म हुए ना, एकदम गरीब ब्राह्मण घर में जन्म, ज्यादा पैसा वाला घर में जन्म नहीं हुए। लेकिन भगवान राम को देखो, राम राजा थे ना, अयोध्या के राजा बने, कृष्ण द्वारका का राजा बने, द्वारकाधीश बने, द्वारकाधीश कृष्ण बने, राम अयोध्या के राजा बने। लेकिन महाप्रभु ये गरीब घर में क्यों फिर, प्रश्न होता है ना, जहाँ सड़ ऐश्वर्य मालिक है, छह ऐश्वर्य का जो मालिक, दुनिया का मालिक है, वो फिर ये गरीब ब्राह्मण घर में क्यों आए। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं वो इसलिए आए गरीब ब्राह्मण घर में, जीवों को कल्याण करने, जीवों को उद्धार करने के लिए। क्यों, इसलिए महाप्रभु घर घर में ब्राह्मण है ना, घर घर में ब्राह्मण का पहले काम क्या था, घर घर में जा करके भिक्षा वृत्ति को द्वारा बा पुरोहित का काम करके जीविका निर्वाह करना। इसलिए जब महाप्रभु गरीब घर में, इसलिए ब्राह्मण घर में गरीब घर में आए, जब कोई व्यक्ति भगवान को, महाप्रभु तो भगवान है, अगर जो काय मन वाक्य से जो कुछ करते हैं, जब महाप्रभु को कोई वस्तु प्रदान करेंगे तो उनका कल्याण उद्धार होगा। इसलिए दूसरों की कल्याण करने के लिए महाप्रभु बड़े धनी घर में नहीं आए, बल्कि धनी घर में जन्म लेके तो इनकी उद्धार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कृष्ण राम से भगवान महाप्रभु बड़े दयालु हुए, बड़े दयालु महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु घर घर में जाकर के भिक्षा लेते हैं, हैं, किसी बणिक को घर में कपड़ा लेते हैं, किसी सब्जी वाला के पास में जाकर सब्जी लेते हैं, किसी को पास में जाकर ग्वाला के घर में दूध दही मांग करके लेते हैं। क्यों, जब भगवान की कोई चीज़ देंगे भगवान को, भगवान इनका जीव को उठा देंगे। इसलिए और यहाँ पर और एक बात कहते हैं, कहते जो श्रीधर है, कहते ये श्रीधर एकदम साधारण घर में जन्म हुए, एकदम साधारण घर में इन्होंने जन्म हुए। यहाँ पर प्रभुपाद एक अच्छी बात कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कुछ दान करता है तो क्या सोचता है, अरे हमने दान किया है, हे राम ने इतने पैसे दान किया, फिर दान किसको किया, ठाकुर जी को, तुमने ठाकुर जी को दान किया, दुनिया को तो लक्ष्मीपति है ना, वो तो लक्ष्मीपति है ना, जो लक्ष्मीपति को तुम क्या दान करोगे, तो लक्ष्मीपति है वो, स्वयं लक्ष्मीपति, तो उनको क्या दोगे, हाँ उनको थोड़ी दे सकते हो, तो दुनिया का मालिक, हाँ उसने तुमको दिया, उसने बल्कि तुमको दिया, तुम उसको क्या दोगे। लेकिन इन लोगों के अंदर में अभिमान होता है, अरे हमने इतने दान किया, हमने उतने ये किया, भैया ठाकुर का चीज तुमने ठाकुर को दिया, तुमने कुछ नहीं किए हो, वस्तु तो ठाकुर का ही है, इसलिए उनके अंदर अभिमान आते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीधर कहते भैया हमारे अंदर में वो तो अभिमान नहीं आता, हमने दिया यार, हम क्या दोगे, सब तो ठाकुर का वस्तु, ठाकुर का वस्तु ठाकुर को क्या दोगे। इसलिए इन्होंने गरीब घर में जन्म हुए। इसलिए महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे, संन्यास लेने से पहले इनकी, इन्होंने ही महाप्रभु को, उन्होंने लाव क्या बोलते, लौकी दिया है,
और महाप्रभु इनकी लौकी की सब्जी बनाए। एक बंगाल में जो लौकी होता है ना सब्जी बनाते हैं, उसमें दूध और उसमें जो काला मिर्च होता है ना, काला मिर्च डाल करके एक लौकी की सब्जी बनता है, वो तो बंगाल में बड़े प्यारा सब्जी है। महाप्रभु इनके हाथ की वस्तु को खा करके महाप्रभु अंतिम समय में संन्यास ग्रहण किया। इन्हीं के लिए बताते हैं, बोले थोड़ा मच बेचिया श्रीधर पाइल जा, कोटि कल्पे कोटि जन्मे ना पाए बेटा। मतलब है इन्होंने केले बेच करके और इन्होंने केले का फूल बेच करके पत्ते बेच करके इन्होंने जो वस्तुओं को प्राप्त किया है, बोले करोड़ों जन्म में करोड़पति व्यक्ति भी ये वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु जब नगर भ्रमण करने के लिए गए, इनके घर में महाप्रभु स्वयं जाते हैं और इनके घर श्रीधर का घर पता कैसे चलता था, ये घर में रह करके 24 घंटा में 24 घंटा जोर जोर से हरि नाम करते थे। एक बार बोलो जोर करके, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। एक बार बोलो जोर करके, प्रवेश करना पता चल जाता सुंदर का घर धाम रहे, क्योंकि वो इतने जोर जोर से हरिनाम करते थे गांव में पता चलता था। लेकिन लोग इनको हसी दिल करते थे, बोले बेटा घर में खाने के लिए कुछ रही नहीं, हाँ दिन भर चिल्लाते रहता है हरे कृष्ण कर तेरा भक्तों को। कभी कोई कई व्यक्ति हंसी खिली उड़ाते ना, लेकिन महाप्रभु इनके घर में गए और इनके घर में कोई पात्र नहीं था, है केवल एक लोहे की लोटा था जिसमें छेद था। महाप्रभु वो पानी को उठा कर महाप्रभु ने पान किया है। इसलिए भगवान भक्तों को ऊपर में भगवान बड़े दया बड़े ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसलिए ये श्रीधर जी की ये कथा है, कहते महाप्रभु जिस समय में नवद्वीप में रहते थे, महाप्रभु इतने बुद्धिमान थे, इतना बुद्धिमान थे उस समय में, महाप्रभु टीचर थे, बच्चों को संस्कृत पढ़ाया करते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। एक दिग्विजय पंडित था जिसने माता सरस्वती की उन्होंने पूजा की, पूजा करके माँ सरस्वती को वशीभूत कर दिया और माँ सरस्वती स्वयं प्रकट होकर के बोले देख बेटा मैं तेरे को वरदान देता हूँ, पृथ्वी में तेरे को कोई भी परास्त नहीं कर सकते। पहले यही होता था, बड़े बड़े विद्वान होते थे, अभी तो ये सब चीज़ है नहीं है, पहले बड़े बड़े विद्वान और सबको शास्त्र में जा करके शास्त्रार्थ करते थे, जो हार जाता था ना उसका सारे संपत्ति ले लेते थे और उनको चेला बनना पड़ता था, शास्त्र लेकर के उनके अंदर में तर्क वितर्क होता था। सरस्वती ने वरदान दिया, मैं तेरे जिह्वा पर बैठ करके मैं स्वयं में बोलूँगी, तेरे को पृथ्वी में कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर माँ सरस्वती जिसकी जीवा पर बैठ करके बोले, बताओ उनको कोई परास्त कर सकता है? वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने सबको परास्त किया और जिसको परास्त करते थे वो इनका शिष्य बन जाते थे। और ये जब चलते थे ना हाथी के ऊपर बैठ करके और जो इनकी परास्त हो जाते थे शिष्य बन जाते थे, बड़ी गाजे बाजे को साथ में जब चलते थे। कल यहाँ पर होली हो रहा था ना, कल क्या हो रहा था, हरियाली तीज हो रहा था, आप देख रहे थे ना सब घोड़े के ऊपर बैठे थे जाते बाजे। जब ये चलते थे बैंड पार्टी बाजा बजती थी, अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर चलते थे, पूरा टहलका मचता था जब चलते थे। अरे ये पंडित जिनका नाम था केशव काश्मीर, बड़ा दिग्विजय पंडित, सारा दुनिया को उन्होंने परास्त कर दिया। लेकिन उन्होंने सुना है एक स्थान बाकी रह गया, ये नवद्वीप है। अगर मैं नवद्वीप, हमने सुना यहाँ पर भी बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, अगर मैं नवद्वीप को अगर परास्त कर दूँ यहाँ पंडित को ना, ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे हाथ की मुट्ठी में आ जाएगा। बस उसने आए नवद्वीप में, आए तो जितने नवद्वीप में विद्वान सबके अंदर में तो खिलबिली मच गई, खिलबिली मच गई। क्यों? अभी तक नवद्वीप धाम को सबसे विद्वान का स्थान मानी जाती थी, लेकिन अगर ये हार गएंगे तो
जो नवद्वीप का जो अखीर्ण जो गौरव है वो खत्म हो जाएगी। और साधारण व्यक्ति हो तो कोई बात नहीं, सरस्वती जिसको जिह्वा पर बैठ करके बात करेगी, बताओ उनको कोई परास्त कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सारे नवद्वीप जितने बड़े विद्वान थे ना, खिलबिल 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 मच गए सबके सब, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, लगता है नवद्वीप धाम का महिमा खत्म होने वाले हैं, सबके सब डर गए। लेकिन इन लोगों ने एक प्लान किया, बोले एक काम करते हैं, जो निमाई पंडित है ना, ये महाप्रभु बचपन में, ये तो भगवान कृष्ण थे, जब उन्होंने तर्क वितर्क किसी पंडितों को साथ में करते थे, हे को नहीं, नहीं को हे, नहीं को खंडन मंडन करते थे, बड़े बड़े विद्वान भी, अगर महाप्रभु का अगर इधर जाए ना कोई बड़ा विद्वान, महापुरुष में छोटे वयस थे, 16-17 साल के ऐसे थे, अल्प उम्र के, अगर कोई विद्वान अगर देखे महाप्रभु इधर से जा रहे हैं, वो रास्ता घूम फेंक लेता था, वो नहीं आता था। क्यों? इतने महाप्रभु तर्क वितर्क ऐसे करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, भगवान है ना, भगवान से कौन जीत सकता है, कोई इनकी उत्तर नहीं दे पाते थे। बोले एक काम करो, ये जो निमाई पंडित है तो बच्चा छोटा, लेकिन ये पता नहीं हम देखो कोई प्रश्न करता है उत्तर नहीं दे पाते, खंडन मंडन मंडन खंडन करता रहता है, इसको साथ में पंडित को भिड़ा देंगे। जब भिड़ा देंगे क्या होगा, अगर ये किसी तरह से ये जीत गया निमाई, बोलेंगे भैया हम तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए, एक हमारी नवद्वीप की इतने महिमा, एक छोटे बच्चे को साथ में भी हार गया, फिर नवद्वीप का महिमा ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हार गया किस कारण से, बोला अरे बच्चा हार गया तो क्या हो गया, हम तो बैठे हैं, एक बच्चा हार गया कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे बात को टाल देंगे। इतने में केशव का समझ आए, वो काजे बाजा को चेला शिष्य पर शिष्य को लेकर के आए, और इतने में उसको पता चला ये लोग कह रहे हैं ये निमाई पंडित को साथ में, मेरे शास्त्रार्थ इनको साथ में होगा। बोले भैया निमाई पंडित कौन, ढूंढते ढूंढते आए, उसी समय महाप्रभु गंगा किनारे में बैठे हुए, महापुरुष में टीचर थे, कहते अगर कोई एक महीना, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर बताया, चलो एक महीना कोई महापुरुष के पास में पड़ जाए ना, पढ़ ले कोई बच्चा, वो इतने विद्वान बन जाता था, दुनिया में कोई परास्त करने वाले नहीं होते थे। एक महीना अगर इनको पास में कोई पढ़ाई कर लिया तो, अब देखना 10-20 साल CA और इंजीनियर बनने के लिए कितना लग जाता है, 20-25 साल लगता है, लेकिन महाप्रभु एक महीना में उनको पंडित बना देते थे, ऐसे महाप्रभु का पढ़ाई था। और महाप्रभु गंगा किनारे में बैठे हुए, उनका सब शिष्य लोग बैठे हुए थे, हैं उनका जो स्टूडेंट छात्र लोग बैठे हुए थे, महाप्रभु उनको क्लास दे रहे थे, क्लास दे रहे थे महाप्रभु। और ठीक शाम का समय था, उस दिन था पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र उदय हुए, उनका किरण से चारों तरफ में छिटक रहा था, बड़ी सुंदर गंगा किनारा। कोई गए हो, कौन नवद्वीप गए हो, 2-4 गए हो, तो कौन कौन जाना चाहते हो हाथ उठा, आपको सब अगली बार ले जाएंगे, ठीक है ना, अगली बार चलना दो। देखो ये नवद्वीप धाम की बड़ी महिमा, ये शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, करोड़ों करोड़ों आपकी परिक्रमा करें, जो फल मिलेगी एक बार श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करना, उससे को करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी, करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा, ये स्वयं पार्वती को कह रही बात को, बड़ी महिमा है नवद्वीप धाम की। इसलिए वहां पर देखोगे ना, यहाँ पर तो कोई पेड़ पौधा उतना नहीं, वहां पर तो पेड़ ही पौधा, नारियल का पेड़, कांठल का पेड़, कटहल का पेड़, और आम का पेड़, केले का पेड़ चारों तरफ में, और खेती जब हम परिक्रमा के लिए जाते हैं ना, फूल के फूल, खेती के खेती, टमाटर वहाँ पर तो खाने वाले नहीं फेंकते रहते हैं, और वहाँ पर जब देखोगे एकदम हरी हरी पूरा चारों तरफ में, पूरा हरी हरी पूरा के पूरा। इसलिए बड़ा सुंदर नवद्वीप धाम का जो छवि है, और जो पंडित आए देखा, बड़ा सुंदर महाप्रभु बैठ कर खंडन मंडन मंडन खंडन कर रहे, और इतने में पंडित सुना इनको साथ में शास्त्रार्थ होगा, पंडित आकर के महाप्रभु के पास में बैठ गया, बैठ करके इतने में महाप्रभु बोले, हमने सुना आप तो बहुत बड़े पंडित, सरस्वती कृपा पात्र आप हो, एक काम करो, ये जो गंगा बह रही ना, थोड़ी सी गंगा की थोड़ा स्तुति करके दिखाओगे? लेकिन वो सरस्वती माँ स्वयं बैठ कर बात करती थी ना, पंडित लोग तो यही चाहते कहीं हमारा थोड़ा प्रशंसा हो। महाप्रभु पहले, महाप्रभु कहते ना त्रिनाद सुनिचे न
तररपि सहिष्णुना, कहते भक्ति करने के लिए चार ही गुण होने चाहिए। एक तो घास से भी ज़्यादा दीनहीन बनो, पेड़ से भी ज़्यादा सहन शक्ति हो, सबको आदर दो, कभी किसकी अनादर मत करो, सभी को सम्मान दो, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान ठाकुर बैठे हैं, सभी के हृदय में ठाकुर का निवास है, इसलिए सब जीव को सम्मान दो और कभी सम्मान की भूखे मत बनो। इसलिए महाप्रभु सबको सम्मान देते, महाप्रभु खूब उनकी महिमा को गाए, इतने महिमा गाए आप जैसे विद्वान जगत में कोई नहीं, सारा दुनिया में आपकी डंका बाज रही है, इतने उन्होंने तो महिमा किया ना, वो फूल करके पूरा हैं फूल गए, बोले वाह ये तो बड़ा मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और पंडित लोग यही चाहते, अपना पंडिताई दिखाना चाहते, बोले ये जो सामने गंगा बह रही है थोड़ी सी इसको वर्णना करेंगे, इतना बोलना था, जैसे आंधी तूफान आती है ना, कोई श्लोक याद करके नहीं, जैसे कोई मानो पुराण का कोई श्लोक हो याद करके नहीं, उनने श्लोक को बना बना करके बोल रहे थे, जैसे आंधी तूफान, क्या श्लोक उच्चारण, क्या उनके प्रणाम सेशन, क्या अलंकार अनुप्रास, उसमें क्या सुंदर शब्द, एक घंटा तक उन्होंने पूरा आंधी तूफान जैसे ऐसे श्लोक को बोले, और नया नया श्लोक एकदम बना बना करके, जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, अक्के बक्के चक्के, बोले हे भगवान हमने सुना है बड़े बड़े विद्वान, लेकिन नए श्लोकों को बना बना करके, नए श्लोकों को लगातार 100 श्लोक द्वारा गंगा की स्तुति की, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए सुन करके। इतने में जब उनके बंद हो गया, महाप्रभु बोले अब तो श्लोक श्लोक संस्कृत बोले, आप इतने सुंदर संस्कृत बोल रहे थे, सब तो पल्ले में तो पड़ता नहीं, आप थोड़ी सी एक श्लोक को व्याख्या करके सुनाओगे। वो पंडित सोच रहा था बात बात में महाप्रभु को परास्त करते, इतने में उन्होंने बोले बताओ कौन सा श्लोक को मैं बोलूँ, उनको पता ये तो कोई शास्त्र में श्लोक है ही नहीं, मैं तो स्वयं बना बना करके श्लोक को बोला, और जगत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो एक बार संस्कृत श्लोक को बोले और याद करते, कोई कर सकता है? एक बार सुन करके संस्कृत को याद कर नहीं सकता है। वो सोच रहा था बात बात में इनको मैं परास्त कर दूं, तो उन्होंने पूछे बताओ, मैं तो झड़ आंधी तूफान जैसे श्लोक उच्चारण किया, ये कौन सा श्लोक को आप सुनना चाहते हो? वो सोच रहे थे तो बोल नहीं पाएगा, इनको परास्त ही कर दूंगा, लेकिन महाप्रभु कौन हो तो कृष्ण है, और राधा कृष्ण थे ना है विद्या का मूल, जो विद्या भगवान कौन है, विद्या की जो विद्या देने वाले हैं, हाँ जीव को बुद्धि विद्या देने वाले तो वही है, बुद्धि रूप में तो भगवान ही बैठे हैं। जब उन्होंने बोले ना महाप्रभु, कितना श्लोक उसने बोला, उसको बीच से उन्होंने एक श्लोक उद्धृत करके बोले ये श्लोक की व्याख्या करो, अरे हाँ इतने श्लोक मैंने बोला आंधी तूफान जैसे, वो बीच का 4 लाइन का श्लोक था, बड़ी श्लोक थी, महाप्रभु पूरा के पूरा उच्चारण करके जो बोले, भैया ये याद कैसे किया? इतने में पूछा, तुमने इतने सारे श्लोक में ये श्लोक को तुमने याद कैसे किया? बोले देखो पंडित जी, जैसे आप सरस्वती की कृपा से, सरस्वती की कृपा मात्र आप हो भैया, जगत में ऐसे तो कोई हो सकता है, श्रुतिधर भी तो हो, श्रुतिधर नाम सुने हो, जो एक बार सुने उसको याद कर ले, सरस्वती की कृपा से, ठाकुर को कृपा से कोई श्रुतिधर भी तो हो सकता है जो एक बार सुनकर याद कर सकता है, बोले बताओ एक श्लोक का व्याख्या करो। जब उन्होंने व्याख्या करने के लिए गए ना, इतने में महाप्रभु आदि अंत और पहले में इतने दोषों को उन्होंने दिखाया महाप्रभु, बोले इसमें पहले दोष, बीच में दोष, अंतिम में दोष, बोले दोष दुनिया में अभी तक कोई नहीं हुए, मेरे श्लोक को कोई समझ नहीं पाते थे, हर तुम कहते दोष, इसमें कितने अलंकार, श्लोक का नियम है अलंकार अनुप्रास उसमें रहता है, बहुत सारे शब्द रहता है, बोले अभी तक दुनिया में कोई नहीं हुए जो कि मेरे श्लोक को समझ सके, मेरे श्लोक में कभी दोष हो ही नहीं सकता, इसमें गुण ही गुण, इसके अंदर में गुण ही गुण है। जब उन्होंने व्याख्या करने के लिए गए ना, महाप्रभु इतना दोष दिखाया, देखो उसमें क्या क्या दोष है, उसमें शब्द है, वहां पर शब्द है
भवानी भर्तु, अच्छे तरह समझो भवानी मतलब क्या होता है, बोल सकते हो? शंकर जी का जो पत्नी, शंकर जी का भवानी है ना, भव का जो शंकर जी की जो पत्नी कौन है? पार्वती। लेकिन वो श्लोक में भवानी भर्तु, भर्तु मतलब भर्ता, भर्ता कहते ना, भर्ता मतलब भर्ता कहते ना, तेरे भर्ता, भर्ता मतलब पति है। भवानी भर्तु शब्द मतलब भवानी का एक अर्थ हो गया जो शंकर जी का जो पति, और भर्ता फिर तुमने प्रयोग किया कि आप पार्वती के दो पति थे। उस श्लोक में जो दो से महाप्रभु कह रहे हैं कि आप पार्वती के दो पति थे, तुमने एक बार बोल दिया भवानी, फिर बोल दिया भर्ता, मतलब भवानी क्या पार्वती के दो पत्नी थे, ये दोष तुम्हारी अंदर। फिर बोले जदेशा श्री लक्ष्मी है, श्री श्री मतलब होता है लक्ष्मी का नाम श्री, फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब होता है लक्ष्मी, फिर श्री का मतलब हो जाता है लक्ष्मी। बोले ये दो लक्ष्मी कहाँ से आए? इसे वहां पर कुछ शब्द में जो सांस्कृत शब्द है, उन्होंने तो बहुत चीज महाप्रभु बताए, बहुत उन्होंने दोष दिखाया महाप्रभु, ऐसे ऐसे शब्द को पकड़े ना, ऐसे दोष दिखाया पहले बीच अंत में, उसका मुंह बंद हो गया, मुंह बंद हो गया, बोली नहीं निकली इसकी। और जितने महाप्रभु का वहां छात्र लोग बैठे हुए ना स्टूडेंट, जोर जोर से ताली हो जाए, जोर जोर से ताली हो जाए, बोले क्योंकि महाप्रभु का जो स्टूडेंट थे वो तो सोच रहे थे भैया इतना बड़ा विद्वान कभी हम जीवन देखा नहीं, आंधी तूफान जैसे श्लोक, क्या अनुप्रास अलंकार, लेकिन दोष को देख देख ना ताली बजा। लेकिन महाप्रभु कौन है? जगत का पिता है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो जगत का पति है, वो कभी भी अपना बच्चों को, भगवान कभी अपना बच्चों को नेग्लेक्ट असन्मान नहीं कर सकते। बोले नहीं, ये मानी व्यक्ति पंडित ही है, पंडित का अपमान ये मरने का बराबर नहीं, असन्मान मत करो। महाप्रभु बोले पंडित जी आज आप थक गए हो, आज जाओ विश्राम करो, फिर कल आओ, फिर दोनों बैठ कर बात करेंगे। महाप्रभु कोई असन्मान नहीं किया, बड़े सम्मान पूर्वक उनको, जानते हैं ना विद्वान हैं, विद्वान को असन्मान नहीं करनी चाहिए। बोले कल जाओ, आज थक गए, कल फिर विचार करके फिर हम बात करें, कोई बात नहीं, घर की बात है। लेकिन वो तो समझ गया महाप्रभु, तो बड़े बुरी तरह से मैं परास्त किया। लेकिन महाप्रभु केवल ये व्याकरण शब्द पढ़ाते थे व्याकरण, लेकिन ये अलंकार अनुप्रास समस्त आचार्य को किए हुए थे, बड़े डिग्री प्राप्त किए हुए थे, और 15-16 साल का बच्चा और इतना बड़ा विद्वान को अगर बात बात में परास्त करते की अवस्था होगा, इतने दुखी होकर गए। और जा करके माँ सरस्वती ने वरदान दिया था, जगत में कोई व्यक्ति तेरे को परास्त नहीं कर सकता है। उन्होंने देखे माँ सरस्वती मेरे को ये वरदान दिया, अगर मैं परास्त किसी बड़े विद्वान को पास में होता, समझता भैया ये बड़ा विद्वान है इसको पास में परास्त हो, ये छोटा 15-16 साल की बच्चा जो व्याकरण केवल पढ़ता है, ग्रामर और कुछ नहीं, और मेरे दोष दिखाया, लगता है माँ सरस्वती मेरे पर नाराज है। तो उन्होंने माँ सरस्वती के मंत्र जप किया, सो गया। देखो बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर सरस्वती दी, माँ सरस्वती स्वयं प्रकट होती है। बोले बेटा आज तुम्हारी पढ़ाई सार्थकता हो गया, मैंने तेरे को जो वरदान दिया था वरदान सार्थकता हो गया। बोले माँ मैं परास्त कैसे हो गया? बोले देख बेटा आज तुम जिसको साथ में मिले है ना वो मेरे पति है, कभी भी पत्नी पति को सामने मुंह ऊंचा करके बात नहीं करते, नियम है ना पति को ऊपर में, पत्नी को कभी मुंह ऊंचा करके बात नहीं करनी चाहिए, पति को सामने नीची होकर रहनी चाहिए। तू तो बोलता नहीं था, बोलती थी मैं, लेकिन जब तुम तर्क वितर्क करने के लिए गया, लेकिन मैं तो बोलती थी, वो मतलब गौर नारायण है, वो तो नारायण स्वयं भगवान है, तो भगवान के सामने जब तर्क वितर्क करने के लिए गया, मैं पति को सामने कैसे में रह सकती हूँ? और ये सरस्वती भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति ये सरस्वती है, इसलिए मेरे तेरे जीवा से अंतर ध्यान हो गया। जब मैं अंतर ध्यान हो गया, तेरे तो कोई विद्वता है नहीं, मैं तो खुद बोलती थी, मैं जीवा में बैठी करके, इसलिए तेरी बोली बंद हो गई, बंद हो गया तो परास्त हो गया। देखो सरस्वती क्या कहती है, कहते मेरी दो तरह का कृपा है, मैं जिसको ऊपर मैं सही सही कृपा करती हूँ उसको मैं भगवान तक पहुँचा देती हूँ, ठाकुर तक लेकर पहुँचा देती हूँ। इसलिए मीरा कहती है ना
ढाई अखर प्रेम सो पढ़ा सो पंडित सोई है, वेद पढ़ी पढ़ी क्या मुआ भय पंडित बनाना कोई, इसलिए ढाई अखर प्रेम से पढ़ा सो पंडित सोई। बोले बेटा मैं जिसको पर मैं सही कृपा करती हूँ उसको लास्ट तक उसको मेरे प्रभु के पास में पहुंचा देती हूँ, और जिसको पर मैं कृपा नहीं करती हूँ क्या करती हूँ, मैं जगत का कुछ डिग्री दे देता हूँ, जैसे PhD कोई कर लिया, कोई डॉक्टरी कर लिया, कोई CA कर लिया, कोई इंजीनियर कर लिया, लेकिन मैं क्या करती हूँ संसार में उसको गधा बना देती हूँ, दिन भर संसार की बोझ को ढोते ढोते गधा जैसे पीठ को पर देखना, दाल चावल तेल को तो ढोता ही खाता है वही भूसा खाता है, संसार में गधा बना करके उसको 84 लाख के जोनी में उसको भ्रमण भटकाते रहता हूँ, गधा बना देता हूँ संसार में, दिन भर संसार की बोझा को ढोते 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 उसके जीवन खत्म कर देती हूँ। बेटा आज मेरी पूर्ण रूप में कृपा हुई, मेरे प्रभु को साथ में मिले, जा बेटा उनके चरण में शरणागत होकर के उनसे हरि नाम लो। ये सुन करके एकदम सवेरे सवेरे महाप्रभु के पास में पहुंच गए पंडित जी, और जाकर के सीधा महाप्रभु के चरण में लेट गए। महाप्रभु बोले तू ये क्या कर रहे हो, तू इतना बड़ा पंडित मेरे चरण में क्यों गिर रहे हो। बोले प्रभु आज मेरे को स्वयं महा सरस्वती बताए आप स्वयं गौर नारायण हो, गौर नारायण आप हो, आप गौर नारायण हो, मेरे को माँ ने बताए इसलिए प्रभु मेरे ऊपर आशीर्वाद करो। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात महाप्रभु बोले, बोले विद्या पढ़े के ना, कहते भैया हम इतना विद्या क्यों पढ़ते हैं, बोले कृष्ण भक्ति जानी वाली इसलिए हम विद्या पढ़ते हैं। विद्या मतलब क्या है, ये एक संस्कृत शब्द, विद मतलब होता है जानना, बोले किसको जानना, बोले भगवान को जानना, अगर हम पढ़ाई लिखाई करके अगर हमने भगवान को जान लिया ना समझो पढ़ाई तुम्हारी सार्थकता हो गया, इसलिए विद्या पढ़े के न ये बंगला में, बोले कृष्ण भक्ति जानी वारी, बोले सजदी नहीं लो, अगर तुमने पढ़ाई कर लिया लेकिन जीवन में प्रभु की भक्ति ही नहीं किया, बोले सजदी नहीं लो, बोले भैया विद्या ही की कर, बताओ विद्या क्या कम काम में आएगा, बोले एदे वहा छाड़िया चली गई, जब ये शरीर छूट जाती है, जब ये शरीर छूट जाती है ये विद्या व पौरुष सके किचू नहीं चले। मरते समय कोई बोलता है ये PhD किया, डॉक्टर इंजीनियर किया, वो अंतिम समय में यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सबको एक बार झूठा किसको सुनाते हैं, और जो ऊपर सुन लेटा हुआ है, बोले देख बेटा जितने जीवन में राम और कृष्ण का नाम लिया ये इतना ही केवल सत्य है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया हो केवल तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रही है, हैं नहीं जा, इसलिए महाप्रभु बोले इतने के महान तो तुमने सर्व परिहरी, इसलिए अगर जो महान तो महान मतलब जिसकी मोह खत्म हो गया है वो क्या करता है, बोले सर्व परिहरी करें ईश्वर भक्ति दृढ़ चित्त करी, वो जीवन में हरि की भक्ति करते हैं भजन करते हैं। बेटा ये जीवन पाने का ये काम नहीं, सारा दुनिया में सबको परास्त करते हुए और अपना अधीन बना करके सबको नीचा दिखाना ये पढ़ाई का काम नहीं है, तुम सारा दुनिया को परास्त करके अपना चेला बना करके सबको अपना अधीन में ले करके घूम रहे हो ये पढ़ाई करने का काम नहीं है, इसलिए सारे अभिमान को छोड़, ये अभिमान अभिमान कोई काम की नहीं, भगवान की भक्ति कर बेटा। तेरे महाप्रभु ने उनको हरि का नाम दिया, भगवान की भक्ति के उपदेश किया, फिर वो ब्राह्मण ने सब कुछ छोड़ करके विद्वान ने फिर महाप्रभु की शरण में लेकर के और जीवन में भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को अपना धैर्य बना दिया, धन्य बना दिया अपना जीवन को, इसलिए महाप्रभु यही शिक्षा देते हैं भैया जीवन पाने का तभी सार्थकता है जब ये जीवन में गोविंद देव की भजन हमने कर लिया, गोविंद देव का भजन कर लिया तो तभी हमारी पढ़ाई बढ़ाई सब सार्थकता हो गया है। बोले श्री भगवान ने गोविंद देव की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की भजन करो हाली मजल, हाँ इसलिए कहते तभी ये जब भगवान के हम जीवन में भगवान की भक्ति करें तभी जीवन हमारे धन्य हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये स्वयं महाप्रभु कह रहे, तो देख बेटा
तुम बता नहीं मैं भगवान, क्योंकि ये मेरी जो लीला है ये प्रचंड बता रहे, मैं छुप करके कलयुग में आया हूँ, मैं बताऊंगा नहीं मैं भगवान। मैंने जो तुमको सरस्वती ने ये बात बताई, ये स्वयं गौर नारायण ये बात किसको तो बताना है नहीं, ये बात को जब तक मैं हूँ तब तक बताने नहीं, मेरे बाद में जो कुछ हो। इसलिए महाप्रभु कल भी अष्टभुज रूप में दर्शन दिया महाप्रभु, लेकिन ब्राह्मण को क्या बोले, खबरदार बोलना नहीं, ये तो गला काट दूंगा तुमको। भगवान कितना बार उन्होंने सार्वभौमों को भी दिखाएगी सड़भुज रूप में, लेकिन वहाँ भी मना करते हैं नहीं किसको बोलना नहीं। लेकिन अभी दुर्भाग्य का विषय क्या जानते हो, जो भगवान तो अपने आप को छुपा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी नहीं है ना वो अपने आप को भगवान कहना शुरू करते हैं। अपने आप को भगवान कहकर फिर जेल में जाकर बैठे और जेल में जाकर बैठे अपने आप को भगवान कहते हैं। इसलिए भैया सच्चिदानंद गौर हरि की भजन करो और ये जीवन को धन्य बना दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटे काचनी कर मुरली उत्तमा, यह मानिक मन में बसो सदा I'm not afraid of the dark.
कि जो अनेक अनेक देवी देव देवियां हैं उनसे श्रेष्ठ है भगवान श्री विष्णु की आराधना, और भगवान श्री विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी सेवा, उनकी सेवा श्रेष्ठ होते हैं भगवान श्री विष्णु की आराधना से भी। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। जो हम लोग सुनते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में आते हैं, जो श्री नारद जी के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो नारद जी भगवान के अनन्य भक्त है और वो सर्वत्र तथा सर्वत्र भगवान के गुणानु कीर्तन करते हैं और अपने हृदय में सब समय हरि कथा को कीर्तन श्रवण इत्यादि करते हैं। यद्यपि हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में नारद जी के प्रति प्राण दवा धारणा प्रस्तुत करते हैं जो टी वी सीरियल्स होते हैं, यूट्यूब होते हैं, तो एक भक्त को जानने का विधि क्या है अगर हम लोग उनको शास्त्र के दृष्टि से देखें तो ही हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त को जान पाएंगे। और जब हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त को जान पाएंगे, भक्त की कृपा से ही हम लोग भगवान को जान पाएंगे, हम लोग पुनः पुनः कभी भी भगवान तक नहीं पहुँच सकते। जैसे कि अभी महाराज जी बता रहे थे कथा में कैसे भगवान गोपीनाथ जी ने श्री माधवेंद्रपुरी बाजी से अपना सेवा ग्रहण किया, कैसे उनको बोले कि मैं यहाँ पे जमीन के नीचे फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे भोग लगाओ, मुझे चंदन लगाओ। तो ऐसे ऐसे भगवान अपने जो प्रणयी भक्त होते हैं उनके माध्यम से ही अपना सेवा ग्रहण करते हैं। और अभी हम लोग भगवान को सेवा वास्तविक रूप से अभी हम लोग भगवान को सेवा नहीं कर सकते, उनका दर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को इन जड़ नेत्रों से जड़ इंद्रियों से हम लोग कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। अगर हम लोग गुरु वैष्णव गुरुदेव के अनुगत में रह के अपने सेवा करें तो उस सेवा के माध्यम से एक दिन हम लोग उस परमात्मा राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और भगवान के जो दर्शन है उसको उस वास्तविक दर्शन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह श्री जो नारद जी के चरित्र हम लोग यहाँ पे श्रीमद्भागवतम में वर्णन करें ग्रंथ में वर्णन, ठीक उसी तरह श्री चैतन्य चरितामृत में भी नारद जी का वर्णन है। और नारद जी यहाँ पे जो महाप्रभु की लीला है, यहाँ पे हम लोग पहले दिन महाराज जी बता रहे थे कि जब भगवान इस धराधाम पे अवतरित होते हैं तो वो अकेले नहीं आते, पूरे धाम को साथ में लेकर ही आते हैं। तो महाप्रभु जिस भक्त अवतार को अंगीकार करके इस धराधाम पे प्रकटित हुए हैं तो उस समय महाप्रभु ने अपने सारे परिकर सारे गणों को लेके ही नवदीप धाम में अवतरित होते। तो ये श्री नारद जी हैं वो यहाँ पे गौरीनाथ में महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित जी के रूप में आते थे। और श्रीवास पंडित जी क्या करते थे, अनेक समय वो हरिवचन में ही भगवान के नाम कीर्तन इत्यादि में व्यस्त करते थे। और महाप्रभु नित्य प्रतिदिन श्रीवास आंगन, यहाँ पे अभी आप लोग अगर नवदीप आते हो तो देख पाओगे, दर्शन कर पाओगे, श्रीवास आंगन अभी भी है, बहुत ही सुंदर दर्शन है ठाकुर जी का, महाप्रभु जी का। तो उधर श्रीवास आंगन में महाप्रभु नित्य प्रतिदिन संकीर्तन करने आते थे और बहुत ही उदंत के नृत्य करते थे महाप्रभु, उधर बहुत ही उल्लास के साथ महाप्रभु संकीर्तन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो श्री श्रीवास पंडित है उनके घर में उनके बेटा का मृत्यु हो गया था। तो श्रीवास पंडित जी ने ये घटना अपने आंखों के सामने देखा, उनके जो पत्नी है वो बहुत विलाप कर रही थी, एक ही बेटा था उनका और उन बेटे का भी मृत्यु हो गया। तो यहाँ पर श्रीवास पंडित जी अपने पत्नी को बता रहे हैं कि ये महाप्रभु का आने का टाइम है, संकीर्तन का समय भी हो रहा था। तो श्रीवास पंडित जी अपने पत्नी को बता रहे थे कि अगर तुमने विलाप किया, अगर महाप्रभु के संकीर्तन में थोड़ा सा भी विघ्न पहुंचा तो मैं भी गंगा में जाके कूद के अपना प्राण त्याग दूंगा, अपने बेटे के साथ साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तो यहाँ पे ये शिक्षा है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होते हैं तो हर समय उनके मन में अपने इष्टदेव की सेवा के प्रति उत्सुकता रहते हैं, कैसे अपने इष्टदेव को प्रसन्न रखना होता है, कैसे अपने इष्टदेव की सेवा में वो तल्लीन रहते हैं, उसी में ही वो चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पे श्रीवास पंडित जी एक ही बेटा था, हम लोग उनका भी मृत्यु हो गया, तो साधारणतः हम लोग क्या हो गया, भगवान विवल हो जाते हैं, शोकातुर हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुए क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुके थे। और वो अपने पत्नी को ऐसे बता के गए कि अगर महाप्रभु की सेवा में थोड़ा सा भी विघ्न पहुंचा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो ऐसे करके वो नृत्य कीर्तन के चले गए और महाप्रभु ने हर दिन नित्य प्रतिदिन जैसे आते थे ठीक उसी तरह संकीर्तन रास
प्रारंभ हुआ। लेकिन महाप्रभु तो भगवान है, महाप्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु श्रीवास्तव को यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रीवास्तव आज तो कीर्तन क्रम आनंद नहीं आ रहा है मुझे, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तो ऐसे पूछा श्रीवास्तव जी से। तब श्रीवास्तव जी ने महाप्रभु को ये बातें बताई। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि महाप्रभु ने उसी समय बोलने लगे कि श्रीवास तुम्हारे से सब बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जो अपने एक ही बेटे का मृत्यु हो गया फिर भी तुम मेरे साथ मेरे प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहे हो। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। और महाप्रभु तो भगवान है, सब कुछ कर कुछ भी कर सकते हैं महाप्रभु, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो महाप्रभु ने उसी क्षण श्रीवास्तव की जो बेटे थे उनको उनके अंदर पुनः प्राण संचालित कर दिए थे। तो यहाँ पे ये शिक्षा है कि हम लोग के जीवन में भी जब हम लोग भक्ति में आते हैं, अनेक बाधाएं आएंगे, अनेक प्रकार के डिस्टर्बेंस हम लोग के जीवन में आते हैं जब हम लोग भक्ति जीवन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें भी अनुकूल नहीं है। यहाँ तक कि हमारे शरीर, मन, इंद्रिया इत्यादि हम लोग को भक्ति में सहायक नहीं होते हैं, वो भी विपरीत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शिक्षा ये है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसा भी वातावरण हो जाए, उसमें हमेशा अपने इष्टदेव की निष्ठा, इष्टदेव को ही अपने निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से सेवा करते हैं और उसी सेवा में तल्लीन रहते हैं। तो ये शिक्षा हम लोग को ग्रहण, एक साधन को ग्रहण अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि हम लोग हर समय हर क्षण अपने इष्टदेव के प्रति अपना जो सेवा है और जो समर्पण है उसको हमेशा बनाए रखें। महाप्रभु घर में स्वयं कीर्तन कर रहे, कीर्तन करते करते जब एक बेटा शरीर छोड़ दिया, लेकिन बेटा तो शरीर छोड़ दिया लेकिन वो दुखी नहीं हुए, बल्कि जब बेटा मर गया उसको पता चला, फिर दो बार आकर के ना पहले जितने खुश होकर नाच रहे थे उसे डबल खुश होकर नाच रहे थे। महाप्रभु सब जानते हैं अंतर्यामी। महाप्रभु बोले आज मेरे को आनंद नहीं आ रहा है, लगता है श्रीवास घर में कुछ अनहोनी हो गई। इतना सुनते ही है ना श्रीवास पंडित छलांग लगा दी, बोले प्रभु क्या बोल रहे हो, जहाँ पर स्वयं वैकुंठ पति स्वयं गोविंद देव जहाँ पर स्वयं भगवान महाप्रभु जहाँ पर वहां पर कभी अनहोनी हो सकता है? इतने में अद्वैत आचार्य बोले प्रभु श्रीवास का जो एक लौता बेटा, बेटा ने शरीर छोड़ दिया, इसको सुन करके महाप्रभु रोने लग गए। वो कहते पितृ शोक ना जाने का मोचे महारत प्रेमी एवं तो संगम हुई छाड़ी वक्त बने। मतलब है अगर किसका एक ही बेटा हो और साक्षात भगवान जहाँ पर है, स्वयं ठाकुर जहाँ पर है, अगर शरीर छोड़ा देगा तो हम क्या बोलेंगे? जितने माला फाला फेंक फाँक देंगे, ठाकुर को भी उठाकर बाहर फेंक देंगे और भगवान के ऊपर दोषारोप पकड़ के ठाकुर जी आप स्वयं यहाँ रहते हुए बेटा मर गया बोलेंगे ना, ठाकुर जी आप स्वयं, आपको सब कुछ कराने वाले आप ही हो, आपकी इच्छा के बगैर तो के पता भी नहीं दिए, जब आप स्वयं यहाँ पर हो मेरे बेटा कैसे मर गया? बोले भगवान भगवान बोले बेटा घर से निकल जाओ, यही बोल रहे ना। लेकिन देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब महाप्रभु गए बोले चलो, वो बेटा को ऊपर ओपन लगा हुआ था एक बेटा शरीर, उसको छाती पर हाथ रखे ना वो दोबारा जिंदा हो गया, वो बेटा मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया, क्योंकि भगवान है ना कहते अगर तुम अन्यथा कर तुम जो सके थे सब ईश्वर है को नहीं, नहीं को जो है कर सकता वो भगवान है। हाथ रखते ही सब बेटा जिंदा हो गया। महाप्रभु बोले बेटा कहाँ चला गया? बोले ठाकुर जी अपने जहाँ भेजा मैं वहीं पर गया, मेरा तो अहोभाग्य था आपकी भक्तों के घर में मेरा जन्म हुआ है, बचपन से आपकी भजन आपका कीर्तन सुना है। मैं कहते अगर किसी भक्तों के घर में कहते हैं अगर कुत्ते रूप में भी जन्म हो जाए ना उधार लूंगा, कुत्ते रूप में, इसलिए कहते हैं वैष्णव घर यदि हईता कुकुर भगवान की प्रसाद मेरे भक्तों को प्रसाद जो बच जाएगा तो ही कुत्ते देखेगा, प्लस सभी का जो उचिष्ट प्रसाद कुत्ता को मिलता है। तथा अगर भक्त घर में अगर कुत्ता जन्म भी हो जाएगा ना जीवन तुम्हारी बड़ा पार हो जाएगी।
बेड़ा पार हो जाएगी। बोले प्रभु हमारी कितना भाग्य था, भक्त घर में हमारी जन्म हुआ, आपका कीर्तन कथा सुने, जब तक आपने यहाँ पर रखे तब तक रहे, आपने जहाँ भेज दिया तो ही चला गया, लेकिन प्रभु जहाँ भेजा है ना बहुत खुश हूँ प्रभु जी, कोई बात नहीं। बोले प्रभु, फिर पिता माता को बोल रहे हैं जगत में कौन किसका है, इस संसार क्या है। आप देखे होंगे जैसे पानी, जैसे नदी में पानी बहती है ना, जैसे बाढ़ आ जाए देखना, बहुत सारे उसमें पत्ता फत्ता कभी इकट्ठे हो जाते फिर अलग हो जाते, देखा देखा हमने पानी बहते हुए या बहुत कभी कभी पत्ते फत्ते सब घासते बहते हुए कभी इकट्ठा हो जाते हैं अलग हो जाते कभी इकट्ठा। ये संसार एक धर्मशाला है, जैसे रात को रुको अलग अलग जगह से लोग आए, रात को खूब गल्प किया, तुम कहाँ से संसार सवेरे होते ही सब चले जाते हैं। उसी तरह हम संसार नहीं, ये एक धर्मशाला में गप भर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी, मैं तेरा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, ये गप मार रहे और कुछ नहीं। जिसका समय आएगा ना उतरो, कोरोना आया कितना लोग गए, कहाँ गए सब के सब, होते तो क्यों चले जाते। तो बच्चा ज्ञान बता रहे हैं, प्रभु जगत में कोई किसी का नहीं, केवल ये मोह माया में ये चमड़े के प्रति, चमड़ा शरीर का चमड़ा है ना, कांटी पेशाब का थैली है और कुछ नहीं शरीर में, और इसी को मैं मेरा करते हुए संसार में भर रहे, हम इसको भर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई, बोले अगर जीवन में हम सुख शांति चाहते हैं भैया, भगवान को प्रेम करो, ठाकुर जी को भजन करो, इसी से ही शांति सुख। जब इतना बोले ना जितना सब रो रहे थे सब चुपचाप हो गए, बोले बच्चा क्या बोल रहा है, बोले संसार में कोई किसने नहीं, समय आएगा, लेकिन प्रभु मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ, स्वयं जहाँ पर आप हो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन सुनते सुनते मैंने शरीर छोड़ा, मेरे जैसे भाग्यवान कौन होगा, एक दिन तो बनना ही है, लेकिन ठाकुर को साथ में शरीर छोड़ना भी ज्यादा ना बात है। फिर महाप्रभु परिवार से बोले इसको ऐसे जिंदा रख दो, बोले नहीं प्रभु, ये जब खुद कहता है मैं खुश हूँ इसको छोड़ दो, जब उसको खुशी रहने दो। इसलिए शिक्षा देते हैं जीवन में जितने विपत्ति आने पर भी कभी भगवान के भजन को छोड़ना नहीं, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। और एक बार जोर करके बोलो सब, जोर से बोलो, बस श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बस श्री मदन मोहन लाल की, बस श्री गोविंद गोपीनाथ की। जय हो जय हो। बोले गौरचंद्राय राधिकाय कदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सुंदर गोपाल प्रभु महाराज जी रूपा में गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात शिला भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण में उनको जन्म प्रणाम करता हूँ, एवं यहाँ पर से सारे वैष्णव वैष्णव को मेरा यथा जन्म प्रणाम। श्रीमद भागवत महापुराण जो कि सारे ग्रंथों का एक सार है, उसमें एक बात बताया गया कि संसार में दो चीज सबसे दुर्लभ है, सबसे रेयर है, वो क्या है बताया कि दुर्लभ मनुष्य देयम, दुर्लभ मनुष्य देया देया शन भंगुर, कि जो ये मनुष्य शरीर है ये क्या है सबसे दुर्लभ है, बहुत इतनी आसानी से नहीं मिलता है, 84 लाख योनी भटकते भटकते कभी स्वर्ग कभी नर्क कभी पता नहीं क्या क्या से भटकते भटकते तब जाके ये मनुष्य शरीर मनुष्य योनी मिलता है। और ये मनुष्य योनी कैसा है इसमें बताया गया कि कमल जल जीवन अटल, कि जैसे कमल होता है कमल के पत्ते
तो ऊपर एक जब बूंद वन ड्रॉप ड्रॉपलेट्स होता है तो वो ड्रॉपलेट्स कितना देर तक कमल के पत्ते में रहता है, वो ड्रॉप्स क्या होता है धीरे धीरे पत्ते किनारे किनारे बढ़ते बढ़ते और कभी भी एक हवा का झोंका आके और वो जो बूंद है ड्रॉपलेट है कभी भी वो नीचे गिर सकता है। और हमारा जीवन भी ऐसी है, वो कब आंधी आए कब तूफान ऐसा आए कि हमारा जीवन चला जाए किसी को कुछ नहीं पता अभी है कल वो नहीं रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 99.9% से ज़्यादा लोग किस चीज में लगे हैं कि चौबीसों घंटा धर्म अर्थ काम मोक्ष, या फिर शास्त्र में बोला गया भागवत बताया गया है कि आहार निद्रा भय मैथुन, कि इन सब इन चारों चीज में ही व्यक्ति अपना जीवन के 24 घंटा इसी में बिता रहे हैं। कि और ये भी बात बोला गया कि जो हम जो जानवर कर रहे हैं जानवर भी आता है ना हम भी को खा रहे हैं, लेकिन क्या हम सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं उस चीज को, सेम वही करते हम भी वही कर रहे हैं। आहार निद्रा जानवर भी सोता है हम भी सो रहे हैं, भाई मैथुन उसको उसी भी डर लगता है जानवर को भी आप डंडा दिमाग को भी डरेगा हम भी डरते हैं हम किस सबसे ज्यादा किससे डरते हैं कि शरीर ना चला जाए मौत से मृत्यु से डरते हैं। दूसरी बात बताया गया मैथुन बच्चे पैदा करना, जानवर भी वही कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं है ना। लेकिन इंसान क्या कर सकता है धर्म कर सकता है धर्म की कार्य कर सकता भक्ति भजन कर सकता शास्त्र पढ़ सकता भगवान को जान सकता है, जबकि जानवर के योनि में करना ये बहुत असंभव है वो कर नहीं सकता है ना। इसीलिए मनुष्य शरीर दिया गया है और मनुष्य शरीर देख के और दूसरा चीज क्या बताया ये सब पहला चीज बताया कि ये दुर्लभ वस्तु है। दूसरा चीज वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो जो भगवान के निजजन है ऐसे भक्तों का संग दर्शन करना बताया ये सबसे दुर्लभ है। यहाँ पे भगवान ये बात भगवान स्वयं खुद कह रहे हैं और यहाँ पे भगवान का दर्शन करना भगवान को प्राप्ति करना दुर्लभ क्यों नहीं बोला गया, यहाँ पे भगवान के भक्तों का दुर्लभ बताया गया। ये बात क्वेश्चन हमारा मन में उठ सकता है, यहाँ पे इसलिए बताया गया कि भगवान दुर्लभ वस्तु नहीं है। जब हम साधु के संग उनके निज भक्त के शुद्ध भक्त का जब संग करते हैं तो भगवान प्राप्ति करना सुलभ हो जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ पे भगवान साधु संघ के महिमा के बारे में बोल रहे हैं। और देखिए इसको लेकिन भगवान का साधु का कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं एक कंडीशन लगा दिए शास्त्र में एक लोग बोला गया जिससे देवे परा भक्ति अर्थात देवे तथा गुरु तस्य प्रकाशयन्ते महात्मना, कि यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह हम हमारी श्रद्धा हमारी भगवान के प्रति जैसे होती है राग होती है उसी तरह अगर हम वही राग वही प्रेम अगर हम साधु के प्रति भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति अगर हो जाए तो क्या करते हैं भगवान कृपा करके जो साधु के जरिए क्या करते हैं भगवान अपना कृपा करते हैं। भगवान की कृपा साधु की कृपा के ऊपर निर्भर रहती है। अगर हम सोचें कि भगवान का डायरेक्ट जाकर उनसे कृपा प्राप्त कर ले तो यह असंभव है, जीवन में कभी नहीं हो सकता चाहे हम हजारों लाखों जन्म क्यों ना बिता दें। तो इसीलिए हमें बताया गया कि भगवान क्या करते हैं साधु के जरिए कृपा करते हैं और शास्त्रों के जो अर्थ है हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही देखा जाता है कि हमारे शास्त्रों के एग्जाम्पल इसकी जैसे नारद ऋषि क्या थे दासी पुत्र थे भक्तों की सेवा करके और देखिए आज उनका पूरा जगत की ख्याति भगवान के निज पार्षद बन गया। वैसे ही वाल्मीकि जी अनेकों अनेक एग्जाम्पल है। तो इसीलिए बताया गया कि और भगवान बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कृपा क्या है। सबसे बड़ी कृपा हम सोचते हैं कि धन मिल जाए दौलत मिल जाए या जब संसार की कुछ वस्तु मिल जाए इसको हम भगवान की कृपा समझते हैं, लेकिन भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है बता रहे हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करते हैं इससे कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए जो जैसे एक बच्चा होता है बच्चा को अगर कहीं घूमने ले गए बच्चे को और मेले में घूम हो गया अपने माता पिता से बिछोड़ गया तो अगर उसको हम एक चौकी दे दें तो वो कब तक मतलब वो कब तक अपना दुख रोक सकता है जब तक चौकी है तब तक चिलकर चलो रोएगा नहीं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा खुशी की वस्तु क्या है जब वो अपने माता पिता से मिल जाए
उसी तरह साधु संत क्या करते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर कथा लीला को बता के हमें भगवान के बारे में बताते हैं, अपनी कथा रूपी जो अमृतवाणी है उससे क्या करते हैं, हमारे संसार की जो अटैचमेंट है वो उसको नाश करते हैं, और हमारे हृदय की जो काम क्रोध ये सब जो लोग अहंकार ये सब जो भरा हुआ है ये सब की सफाई करके हमें भगवान से जोड़ते हैं, अपने गुरु मंत्र ये सब दे के भगवान से हमें जोड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह जो बच्चा है उसके लिए क्या होगा, अपने माता की तरह से मिलना यही उसके लिए सबसे बड़ा। उसी तरह एक साधु भी वही काम करता है, इस जगत में आके वही काम करते हैं। और जहाँ महाप्रभु जी धारा हम देखते हैं कि महाप्रभु जी के अलग अलग जो भक्त थे, जैसे कल हम सुने थे शिला रूप गोस्वामी, और उनके जरिए अलग अलग तत्व प्रकाशित किए, शिला हरिदास ठाकुर जी उनके जरिए भगवान ने क्या के नाम तत्व का प्रकाशित किया, रूप गोस्वामी जी के जरिए हम सुनते थे प्रभु जी से कि सबसे बड़ा जीवन का साध्य साधन क्या है ये बताया भगवान उनके जरिए, और अनेक अनेक जैसे हम हरिदास ठाकुर जी का ही लेते हैं तो हरिदास ठाकुर जी क्या थे, हमने सुना था कि वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लीला किए थे तो भगवान से क्या बोले थे कि हमें शुद्र कुल में ऐसा जन्म दे कि हमें इस कुल का अभिमान ना हो, तो भगवान ने और जाके फिर जैसे महाप्रभु जी वहाँ पे जाके नवदीप धाम में वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं, भगवान की लीला में प्रवेश के लिए अनुमति प्रार्थना करते हैं, तो उनका जब जन्म होता है वो किसमें होता है, शुद्र कुल में, मलिन जो मुसलमान कुल है इसमें जन्म होता है, और देखिए वो 3 लाख नाम डेली करते, तो उनका नियम था कि 3 लाख नाम रोज करना, और उनकी ऐसे साधु संत पूरे जगत में उनकी ख्याति हो गई। तो इससे इसको देख के एक रामचंद्र खान जो थे वो उनसे काफ़ी जलने लगे, ईर्ष्या होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, एक वैश्य जो इसका नाम था लक्ष्य टीरा उनको पैसा दे के उनको भेजे और बोले कि इस जो हरिदास ठाकुर है इसका सर्वनाश कर दो, इसका ये जो गौ रच रहे हैं नाम का दिखा रहे हैं, इसका जो साधुता है इसको जगत में इसका ये कर दो। तो लक्ष्य टीरा जब गई तो वो क्या, अब 3-3 लाख नाम करना, तो रात बार दिन दिन भर वो नाम कर रहे किए जा रहे हैं, शुद्ध नाम वैष्णव का जो निकला हुआ जो नाम होता है वो भगवान साक्षात उनके वाणी में विराजमान करते हैं, तो वो ऐसे वैष्णव थे। तो जब उन्होंने वहाँ पे गई और जाते साथ वो क्या की तुलसी की सामने में थी, देखी तुलसी सामने और सामने बैठ के नाम किए जा रहे थे 2-2 बजे, तो प्रतीक्षा करने लगी, पहले तो प्रणाम की तुलसी देवी को और हरिदास ठाकुर जी को, उसके बाद फिर उन्होंने जब बोले कि मुझे मैं अपनी इच्छा पूरी करनी, तो बोले ठीक है मैं मुझे मेरा नाम बचा रहा और मैं नाम करूँगा, फिर जो आप इच्छा है वो आप बताना। तो उसके बाद फिर दिन भर पूरे रात रात भर नाम करते रहे, करते 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 रहे शिला हरिदास ठाकुर जी, तो उन फिर ऐसे एक दिन पार हो गया, फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी ऐसे पार हो गया, फिर तीसरा दिन हुआ, तो तीसरे दिन फिर जब नाम सुनते सुनते उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, जब भगवान उनका शुद्ध नाम, भगवान का शुद्ध नाम उनके जब कानों के जरिए जब प्रवेश किया लक्ष्य टीरा के, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये देखिए खुद भक्तों के मुख से निकला हुआ अगर हम हरि कथा और उनका नाम सुनते तो देखिए क्या क्या होता है। तो उसके बाद फिर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने ये अनुभूति हुई कि मैं कितनी घृणित कार्य के लिए आई थी, ऐसे महान संत ऐसे वैष्णवों को मैं बदनाम करने आई थी और उनके चरणों में माफी मांगने लगी। तो हरिदास ठाकुर जी क्या बोलते कि मुझे तो पहले से पता था कि तुम आने वाले ही हो और तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता था, लेकिन तुम पे कृपा करने के लिए मैं 3 दिन से यहाँ बैठा हुआ था। और उन्हें फिर आदेश देती है उन्हें फिर आदेश देते हैं श्री हरिदास ठाकुर जी कि जाओ स्नान करके आओ और बाल जो अपने बाल को मुड़वा के और जो भी ये जो पाप धन कमाए हुए सारे वैष्णव में वितरण कर दो, तब जाके फिर उनको हरिदास ठाकुर जी हरिनाम देते हैं।
और उस हरिनाम करते करते उस हरिनाम का प्रभाव देखिए, जो सामान्य जो गृहित व्यक्ति थी वो गृहित व्यक्ति महान वैष्णवी बन गए और सबको उनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए, उनसे हरिकथा सुनने के लिए। तो देखिए ऐसे हरिदास ठाकुर जी हुए। उसके बाद जब हरिदास ठाकुर जी जब निर्जान लीला इस संसार में जाने की इच्छा की है, देखिए वैष्णव जो होते हैं हमने पहले भी सुना वैष्णव अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, हमें दिखता है कि वो मेटलिस्टिक बॉडी में बने हुए प्राकृतिक शरीर, लेकिन उनका शरीर प्राकृतिक नहीं होता है, वो हमसे सेवा लेने के लिए वैसे लीला करते हैं। ये फिर उसके बाद जब महाप्रभु के सामने जब इच्छा प्रकट की कि आपके रहते हुए मैं इस संसार से चले जाना चाहता हूँ, तो महाप्रभु ने अत्यंत दुख हुए। तो उसके बाद फिर जब एक दिन ऐसा जब जिस दिन बताएं कि मैंने इस दिन को निर्णय की उस दिन को जब निर्णय किया कि मैं इस दिन को जाना चाहता हूँ, तो महाप्रभु जी कीर्तन करके सब उनके भक्तगण सब वहाँ इकट्ठे हो गए। महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को अपने गोद में उठा लिया। देखिए जब भगवान के जो राम अवतार थे, तो राम अवतार में भगवान जी ने दर्श अपने पिता दशरथ को भी अंतिम समय में वहाँ पे उपस्थित नहीं रहे थे, उन्होंने अपना प्रेजेंस नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं भक्तों की क्या महिमा है, उनकी भक्तों की क्या महिमा दिखा रहे हैं। वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी को अपने गोद में उठा लिए और उनके गोद में रहते हुए भगवान का मुख कमल देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। फिर भगवान ने उनको क्या किया वहाँ पे उनको फिर जो वैष्णव उचित संस्कार होता है वो किए वहाँ पे, फिर उनको जो समुद्र था जिसको बोला गया भगवान ने स्वयं सुंदर गोपाल प्रभु आ जाओ सुंदर गोपाल स्वयं महाप्रभु ने जिस समुद्र को बोला कि ये तीर्थ है। क्यों तीर्थ बोले? क्योंकि सारे जो नदियां हैं गंगा जमुना जितने भी पवित्र नदियां वो कहाँ पे आके मिलती है? समुद्र में आके मिलती है। जब हरिदास ठाकुर जी का स्पर्श हुआ समुद्र में समुद्र के जल में, तब भगवान ने क्या बोला कि ये अब ये तीर्थ नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? महातीर्थ हो गया। क्योंकि वैष्णव का चरण रज इसमें चरण स्पर्श हो गया तो जाके क्या हो गया ये महातीर्थ हो गया। तो देखिए भगवान ने अपने भक्तों की किस तरह महिमा दिखा रहे हैं। अभी हमने सुना माधवेंद्र पुरीपा जी के, ये माधवेंद्र पुरीपा जी कैसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान बोला माधवेंद्र पुरीपा जी जो हम देखते हैं कि राधा रमन जी राहुल तुम बोलोगे राहुल गोपाल भट्ट गोपाल भट्ट जिन्होंने जिनके जो है जिनसे भगवान स्वयं बोल बोल के सेवा ग्रहण करते थे ऐसे वैष्णव। और देखिए ये तो लगता है कि हम सुनते हैं कि 500-550 साल पहले की बात है, लेकिन अभी कुछ साल पहले की बात है कि जब पुरी में हमारे नीलांचन गौड़िया मठ था जब वो स्थापना हुई, तो हमारे गुरुदेव शिला भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जी और शिला भक्तिदान वामन गोस्वामी महाराज जी जब ये वहाँ पे आए थे और ठाकुर जी की नई नई विवेक स्थापना हुई, राधा मदन मोहन जी थे वहाँ पे थे और महाप्रभु जी इनकी जब स्थापना हुई, तो वहाँ पे एक और भी ठाकुर जी हैं जिनका नाम है छोटा गोपीनाथ। आप जब पूरी के रंग दर्शन के होंगे जो कि अपने भक्त के लिए एक पद्मासन में बैठ गए, गोपीनाथ जी स्वयं अपने भक्त के शिला गदाधर पंडित जी जो कि महाप्रभु पार्षद थे और राधा रानी के स्वरूप थे, तो उनके लिए उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए उन्होंने पद्मासन में बैठ गए ऐसे 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 ठाकुर जी। तो वहाँ उन्होंने ठाकुर जी ने उनको दर्शन ठाकुर जी ने स्वयं हमारे गुरुदेव जी को ये स्वप्न आदेश दिया दोनों को कि आपने तो नए नए मंदिर की स्थापना कर दी, ठाकुर जी को नए नए वस्त्र पहना दिए, लेकिन हमारे लिए तो कुछ लाएंगे, ये कुछ साल पहले की बात है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब हमारे गुरुदेव जी श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी और श्री भक्ति वामन गोस्वामी महाराज जी वहाँ पे जब गए, तो जो पंडित वहाँ पे सेवा करते थे गोपीनाथ जी की छोटा गोपीनाथ जी की, जब वो पट खोल के देखे आश्चर्य हो गए क्योंकि रात को तो उन्होंने श्रृंगार बहुत अच्छा किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि ठाकुर जी की जो वस्त्र वो फट गए थे और
और देखिए हमारे पेड़ों को नए वस्त्र दिए। तो सोचिए हम किस हमारा कितना सौभाग्य इस शाश्वत गौड़ीय धारा में आकर हम वैष्णव मुख से हरि कथा सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे गुरु परंपरा के माध्यम से जो हमें सही में हम अगर हमारा कल्याण चाहते हैं तो हमें जो धारा है बस इसमें जो बस इस फ्लो में बस जो हमें बहते रहना, मतलब इस तरह हमें जो उनकी जो बताई शिक्षा इंस्ट्रक्शन है वो अगर हम उसको फर्स्ट फॉलो ही करेंगे तो हमारा उसमें ही परम मंगल होगा। इसीलिए आज अभी कितने देखो हमारे जनार्दन प्रभु इधर है, ये लोग अभी वृंदावन में झूला पड़ेगा, श्रावण की महीना है ना, झूला पड़ेगी 8 तारीख से 8, 9, 10, 11, 12 आज दिन तक झूला पड़ेंगे। जनार्दन प्रभु जी और हमारे सुंदर पर यहाँ से बस लेकर जाएंगे पांच सीटें कर दिया जल्दी जल्दी नाम लिखवा देना, ठीक है, जल्दी जल्दी नाम लिखवा देना। और वहाँ पर बहुत देखो हमारे जो गोविंद देव को जिन्होंने प्रकट किया ना रूप गोस्वामी, हमारे जो गौड़ीय वैष्णव हम अपने आप को अभिमान करते हैं, हम सिर्फ रूप गोस्वामी को फलवा रहे, ये रूप गोस्वामी हमको क्या दिया, ये रूपानुगत को अनुगत करने से हमें क्या मिलेगा, केवल एक विषय पर इनके ग्रंथों उन्होंने जो लिखे अथा ग्रंथ लिखे केवल एक विषय पर इतने सुंदर डिस्कशन होगा जिससे में कभी कथा नहीं मिली, इतने बढ़िया हुआ कथा होगी, बड़े बड़े विद्वान लोग आएंगे, हमारे भक्त लोग बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे, इसलिए आप लोग सब जैसे चल ठीक है और जाना चाहते हाथ उठा कभी हाथ उठा लो तब तो ठाकुर ले जाएंगे, अगर हाथ नहीं उठाओ तो ले जाएंगे। हाँ ठाकुर कहते ना एक कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ, मन में इच्छा रख के ठाकुर जो व्यवस्था करने वाले ठाकुर है, ठीक है ना, कोशिश करना सबके संवारने के लिए, ठीक है। कई लोग पूछ रहे थे जाने का शुल्क कितना है, तो जो बस से जाएंगे वहाँ पे रुकेंगे खाएंगे पिएंगे पूरा 2 दिन का जो शुल्क है वो 1400 रुपए है, और जो लोग हमेशा के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए फ्री है। उनके लिए हमारे बड़े बड़े गुरुदेव के मठ है, वहाँ पे रहने की खाने की पीने की पूरे जीवन की व्यवस्था है। हम सब फ्री में जाना चाहते हैं और वहीं पर रहेंगे तो कुछ भी पैसा देने का जरूरत नहीं, फ्री नहीं, लेकिन आप लोग जो करोगे ना केवल आपकी जो किराया बस का जो किराया रहेगा था ना, प्रसाद के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं, प्रसाद मेरे तरफ से आपके लिए आपको प्रसाद आप फ्री में देंगे, लेकिन जो आपका जो किराया जो रहने का है उसको फिर आप लोगों को देना है। बहुत सारे तमाम पावनेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप आए थे वृंदावन आए थे तो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु उस समय भ्रमण कर रहे थे, सुबह का समय था, एक शुभ पक्षी आया। अब राधा जी क्या करती हैं वृंदावन में आपने देखा होगा सब क्या बोलते हैं, उसके पीछे कारण है, जो राधा जी का पास जो पक्षी है और एक कृष्ण के पास भी है शुभ और सारी, तो राधा जी तो अपने पक्षी को कृष्ण नाम सुनाती है कि तुम कृष्ण नाम गा गा के मुझे कृष्ण नाम सुनाओ, और कृष्ण का जो पक्षी है वो कौन सा नाम गाता है, वो राधे राधे गाता है क्योंकि उससे कृष्ण को आनंद मिलता है। अब राधा जी ने देखा कि अगर मेरा पक्षी कृष्ण बोलता है तो मुझे आनंद मिलता है और राधे बोलेगा तो किसको आनंद मिलेगा, कृष्ण को आनंद मिलेगा। तो उन्होंने अपने पक्षी को बोला कि तुम भी अब क्या करो, तुम कृष्ण कृष्ण मत बोलो, तुम भी क्या बोलो राधे राधे गा दो ताकि मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को आनंद मिले। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे पहुंचे वृंदावन में उनको एक शुभ मिला, अब वो राधा जी के भाग में है, उसको बोले कि कृष्ण कृष्ण बोल,
और उनके हाथ से पक्षी उड़ गया, वो कृष्ण कृष्ण बोलता ही नहीं है, वो हवा में उड़ के क्या बोल रहे हैं, गौर 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 हरि बोल, गौर 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 हरि बोल, गौर 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 हरि बोल, गौर गौर हरि बोल। पक्षी ने बोला कि मेरे को हमेशा कंफ्यूज करते हो, राधा जी कृष्ण नाम बुलवाती है, कृष्ण राधा जी बुलवाते हैं, कभी कृष्ण प्रसन्न होते हैं कभी राधा प्रसन्न होती है, मैंने तो दोनों को प्रसन्न करना है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोल। तो ये जो कलयुग है, ये जो कलयुग है, इसमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने हम जैसे जीवों पे कृपा करी है। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, भगवान कृष्ण के जो अर्जुन है, अर्जुन और भगवान कृष्ण का कैसा संबंध था, सखा, कैसे सखा थे, बहुत अंतरंग सखा थे, एक ही शैया पे सोते भी हैं, उनको उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया, बोला भक्तो असि मे सखा, कि तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे सखा भी हो, मेरा तुम्हारे कृपा खरे संबंध है। लेकिन अर्जुन को बाद में पता चला कि भगवान कृष्ण तो मुझे धोखा देके चले गए, कैसे, भगवान ने जब भी युद्ध करना था तो हम पांडवों को बुलाया, महाभारत युद्ध करना है, ये युद्ध करना है, वो युद्ध करना है, और जब सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करनी थी, वन में भोजन करना था, सखाओं के साथ आंख में चोली खेली, गैयाएं चलाई, गोपियों के साथ रास किया, तब तो हमें कभी बुलाया ही नहीं, तो असली सखा हम हो या ब्रज वाले सखा, असली सखा हुए असली सखा तो ब्रज वाले हुए। तो उनके हृदय के अंदर कामना हुई कि हम भी वृंदावन धाम में जाना चाहते हैं, इसलिए भागवत में बताया गया है, मुक्ति ददाति कर्मचित स्मरण भक्ति योगम, कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ब्रज की भक्ति किसी को नहीं दी, सोचो पांडवों तक तो नहीं दी, जो उनके इतने घनिष्ठ सखा थे, तो बाकियों का तो कहना ही क्या है, किसी को ब्रज की भक्ति भगवान कृष्ण ने दान नहीं करी। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए, उसके मथुरा गए, द्वारका गए, पूरा भारत उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं में भी किसी को भी ब्रज में नहीं भेजा, ब्रज की भक्ति किसी को नहीं दी, तो उन पांडवों के मन में ये लालच आया कि हम भी कृष्ण का वो बाल गोपाल रूप देखना चाहते हैं, हमने तो कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण करते हुए देखा, बंसी धारण करते हुए क्या कभी देखा अर्जुन ने, नहीं, उनको तो इतना बड़ा विश्व रूप दिखा दिया। तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी कृष्ण की वो सारी लीलाओं का साक्षी बनना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये पांचों पांडव गोवर्धन में राधा कुंड एक स्थान है, राधा कुंड के श्याम कुंड, उसके तट पे ही ये पांचों पांडव वृक्ष के रूप में आए और वहां पे इन्होंने वृक्ष के रूप में रहकर भजन किया है। तो सोचो ये पांचों पांडव इन्होंने ब्रज में जन्म लिया, उस भगवान श्री कृष्ण के ब्रजेंद्र नंदन की वृंदावन की लीलाओं के दर्शन करने के लिए किसके रूप में, वृक्ष के रूप में, पेड़ के रूप में, भगवान ने उनको दर्शन नहीं किए, क्योंकि भगवान ने कृष्ण कुंड कहते हैं, कृष्ण यदि छूटे मुक्ति मुक्ति दिया, गहु प्रेम भक्ति ना देव राखे लुका गया है, कि अगर कोई कृष्ण का भजन करके सिद्धि को प्राप्त कर भी लेता है तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने हाथ से भक्ति को पीछे छुपा लेंगे, भक्ति देंगे नहीं, क्या करेंगे, मुक्ति दे देंगे, सिद्धि दे देंगे, लेकिन अपनी ब्रज की भक्ति किसी को नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ वही कृष्ण जब राधा जी के भाव को लेके आए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु का क्या है कि आमी भी के एही मूर्ख विषय के मने दीहो, कि मैं तो समझदार हूँ, मांगने वाला व्यक्ति तो हो सकता है कि मूर्ख हो, लेकिन देने वाला दाता तो समझदार है, अगर कोई मेरे से संसार की भौतिक वस्तु आगे मांगता भी है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उसको संसार की भौतिक वस्तु नहीं दूंगा, क्या दूंगा, स्वचरणामृत कराइया विषय भुलाई हो, कि मैं उसको अपने चरणों का अमृत पान कराऊंगा, मेरे चरणों का अमृत पान करने का तो संसार के सारे विषय वैसे ही भूल जाएगा। तो एक तरफ भगवान कृष्ण के पास भक्ति मांगने जा रहे हैं तभी वो मुक्ति देके अपना पीछा छुड़ा देते हैं, और एक तरफ चैतन्य महाप्रभु के पास कोई भक्ति मुक्ति मांगने भी जाता है तो उसको क्या करते हैं, जबरदस्ती भक्ति ही दान करते हैं। तो अब बताओ हमें किनकी शरण में जाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु की शरण में जाने से ही हमें ब्रज की भक्ति प्रदान हो सकती है। इसलिए एक बड़े ही सुंदर हमारे वैष्णव हुए जिन्होंने बड़ा ही सुंदर कीर्तन में बोला है, एमन गौरांग बिना नाही आर, एमन गौरांग बिना नाही आर, कि मेरा मन जो है केवल चैतन्य महाप्रभु के पीछे भागता है, क्यों, जो सबसे ऊंचा प्रेम है, जिस प्रेम के लिए ब्रह्म वीर चेत दोनों हाथ से लुटा दिया। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण लीला समरण हुई, दोनों धाम से विमान आया, वृंदावन के ब्रज में जितने बलि करते सब उठा के वापिस भगवान के धाम चले गए।
जब राम जी की लीला स्मरण हुई, साकेत से धाम आए, साकेत धाम से विमान आया, जितने भी अयोध्या वासी थे सब बैठे और चले गए। अब अयोध्या के पास में यूपी के और भी गाँव पड़ते हैं, वृंदावन के पास दिल्ली फरीदाबाद पर्वत वो भी पड़ता है, क्या उनको लेके गए भगवान अपने विमान में? नहीं, जो मेरे धाम वासी हैं वही बैठेंगे और वही जाएंगे, बाकी किसी को जाने नहीं दिया। लेकिन जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इस जगत से अपनी लीला को समर्पण करके गए थे, तो वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि पूरी का पूरा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी जीव शून्य हो गया था, सारी की सारी जीवात्माओं को श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अपने साथ गोलोक धाम में लेके चले गए, तो सबको ही उस प्रेम के अंदर उन्होंने डुबो दिया था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जैसी कृपा बाकी रह गया तो जय गुरु की मिटा नहीं लेंगे, जितनी कृपा गोविंद गोपीनाथ का धर्म आ गया और हमारे सुंदर गोपाल गुरु आ गए मिशन पे। धन्यवाद हमारे जो गुरुदेव है ना, गुरुदेव बहुत कोशिश कर रहे थे, उन्होंने गुरुदेव के साथ हम आए, गुरुदेव मंदिर में गुरुदेव पता किए, बहुत जगह पर गुरुदेव घूमे, गुरुदेव चाह रहे थे यहाँ पर कोई एक मंदिर हो जाए, एक मंदिर हो जाए, बहुत मंदिर को देखे भी गुरुदेव तय विचार, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन हमारे सुंदर गोपाल गुरु मुझे लगता है गुरु जी की कोई विशेष कृपा है इनके ऊपर, गुरुदेव चाह रहे थे यहाँ पर कोई मंदिर हो लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, इधर उधर देख रहा था, लेकिन जगह तो मिला तो मिला, एकदम गुरुदेव को पास नहीं गया। जब आरती बताए बेल सुनकर के हम यहाँ से निकलते, जब आरती होती है जब यहाँ से सुनकर फिर हम जाते हैं, देखो हम प्रार्थना कर लें अगर वो तो अभी जगह और थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो जब यहाँ तक वर्णन आता है, जो यमराज जी है, यमराज जी का द्वार कभी बंद नहीं होता, वहाँ पे लाइनें लगी रहती है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की लीला हो रही थी तो बताया है कि उस समय यमराज जी के द्वार भी बंद हो गए, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा था, हरी बोल हरी बोल के ध्वनि जा रही थी। तो यमराज जी ने देखा कि भाई ये हुआ क्या है, जब राम जी आए थे कृष्ण आए थे भगवान के इतने अवतार आए, मेरा तो कभी नरक बंद हुआ ही नहीं है, अब हुआ क्या है जाके देखो तो सही। तो जो यमदूत थे वो धरती पे देखने के लायक वापस दुटे ही ना, यमराज जी देखे हो क्या रहा है, नीचे आके देखो उनके दूध भी क्या मिल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 उसके पीछे कौन है हेतु, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ही षड गोस्वामी को भेजा, उनके माध्यम से सारे विग्रह प्रकाशित हो, करोली में राधा मदन मोहन जी देखते हो। यहाँ तक कि जब यहाँ का राजा राधा कृष्ण को हटा के रुक्मिणी और कृष्ण जी की सेवा करना चाहता था, तो समय किसने आके रोका, हमारे ही संप्रदाय में आगे बलदेव विद्याभूषण जी ने ही उनको आके रोका। तो इसलिए अगर आप कहीं पे भी देखो और बाकी जितने भी संप्रदाय देखो जो आज कृष्ण भक्ति करती है, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, राधा वल्लभ जी के जो ये थे दूसरा हरिराम व्यास जी, सूरदास जी का संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी जो अभी श्रीनाथ जी में इतनी पासवा होकर पूरा गुजरात धर्म बना हुआ है, तो जो वल्लभाचार्य जी थे, वल्लभाचार्य जी ने भी जो भागवत सीखी कहाँ से सीखी, गदाधर पंडित से ही सीखी। तो उनकी संप्रदाय का भी अगर मूल में आओगे तो कौन है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो वृंदावन धाम प्रकाशित किया, रोज शाम को जब गोविंद जी की आरती होती है सत्य आरती, उसमें देखना चाहते हैं एछाए गोसाई जबे ब्रज के नवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, ये छह गोस्वामियों ने जब ब्रज में वास किया तो इन्होंने ही राधा कृष्ण की सारी लीलाओं को और वृंदावन को प्रकाशित किया। तो आज आप कहीं भी अगर पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति देख रहे हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा भी क्यों ना हो, उसके पीछे भी जो भाव है वो सारे चैतन्य महाप्रभु ने ही किए हैं। तो भक्तिमय ठाकुर ने बताया एक दिन ऐसा आएगा कोई संप्रदाय नहीं रहेगा, और एक ही संप्रदाय ये रोहिणी संप्रदाय रहेगा, और जितने सारे संप्रदाय आ गए किसी बहुत जाएगा, ये भक्तिमय ठाकुर का भविष्यवाणी। और सचमुच से प्रभु जो आप वृंदावन में जाओ चादा करके इधर उधर जाओगे ना, सब गौड़ी तिलक वाले मिलेंगे, सब गौड़ी तिलक वाले मिलेंगे,
और वृंदावन में जो गोविंद गोपीनाथ मदन हुए है ना, आप कभी वहाँ प्रभु राय लोगों को पूछोगे, गोविंद देव तो एक कोने में और गोपीनाथ बीच में, मदन मोहन एक कोने में, और जो वाक्य बिहार के नाम सुने ना, ये जो जो वृंदावन का राजा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, इसलिए वाक्य बिहार को त्याग से देना पड़ता है, मदन मोहन त्याग से देना पड़ता है। रंग जी मंदिर सुने होंगे, सुने के ताल ये नारायण को भी वहाँ त्याग से देना पड़ता है, फिर मदन मोहन को प्यास देना पड़ता है वहाँ। और बीच में जो गोपीनाथ जी है, गोपीनाथ जी वो आसपास में और जितने मंदिर वाले गोपीनाथ को त्याग से देते हैं, वो कृष्ण भी बाकी बिहार भी त्याग से देते हैं, मदन मोहन को ये त्याग से दे रहे हैं, क्योंकि ब्रज का जो राजा है ना ये गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ही ब्रज का राजा। लेकिन आप लोग को देखो कितना सौभाग्यवान हो ये सारे ठाकुर कहाँ पर आ गए, जयपुर में आ गए, इसलिए तुम लोगों का प्रेम में ताकत है। इसलिए ठाकुर जी वृंदावन, ठाकुर जी कहते हैं वृंदावन छोड़ के कहीं जाता है नहीं, लेकिन वृंदावन छोड़ के ठाकुर जी जयपुर आ गए। इसलिए जो लोग वृंदावन जाना चाहते हो, आप लोग पहले बोल देना, पैसा आप कोशिश करते कम से कम में कोई जरूरत है, आपको प्रसाद के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं, तो जाने के लिए और वहाँ रहने के लिए थोड़ी सी पैसा देना, और प्रसाद के लिए मैं आपका सारे प्रसाद नहीं करता है, तो मैं लूँगा कोई नहीं, तो मतलब आप लोग आओ ठीक है। इसलिए ठीक है सनातन, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you.
I'm gonna make it.